So how you have been? Okay. What has been the general issue like in 1 year since you finished your syllabus? क्या इश्यू आ रहा है आपको इन जनरल विथ रिगार्ड टू पॉलिटिकल साइंस? बना लिए हैं? नहीं बना पा रहे हो? ठीक है, एनीथिंग एल्स? आंसर राइटिंग। तो डू यू वांट मी कि देखो मोस्टली ये हर वीक होगा, ठीक है, बट एक दिस वीक, अभी आज संडे, नेक्स्ट संडे नहीं है बिकॉज आई एम नॉट हियर, आई विल बी कमिंग बैक, तो हम थर्ड को मिलेंगे फिर से। डू यू वांट मी टू एक अपार्ट फ्रॉम ब्रॉड रिवीजन कि मैं आंसर राइटिंग भी करवाऊँ थोड़ी थोड़ी? ये खत्म नहीं होगा। चलो आई विल पिक वन क्वेश्चन और टू। और कुछ? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रिवीजन का? ठीक है, और कुछ इधर से? शॉर्ट नोट्स मैं बनवाऊंगा, यही बनवाऊंगा मैं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी टाइप मटेरियल और एनीथिंग, आई वॉन्ट यू टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट इन द क्लास इट्स, जो रेलिवेंट है, कैसे की टर्म्स ही करने हैं। एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी की टर्म्स, अभी भी की टर्म्स समझ नहीं आते हैं लोगों को, पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया है, यू आर नॉट एबल टू लिंक द की टर्म्स एंड ऑल, तो वो हमको करना है यहाँ पे। ठीक है, आज विल स्टार्ट विथ क्लासिक एंड विल मूव टूवर्ड्स प्लेटो। एरिस्टोटल आर नहीं करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा एक दिन के लिए। प्लेटो भी खत्म होता है कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक, स्टार्टिंग विथ, पहले आप लोग एक छोटी सी हेडिंग डालो, जैसे मैं बताऊंगा वैसे बनाना आप लोग शॉर्ट नोट, ठीक है? ठीक है, हम सब लूज शीट यूज कर रहे हैं कि क्या यूज कर रहे हैं? लूज शीट ही लाइएगा, कॉपी मत लाइए, ठीक है, ताकि आप अपना एड ऑन कर सको। तो बीचों बीच बनाइए पेज के पहले। ठीक है, अब इसमें बगल में लिखिए वाई, बीच में बनाइए, एकदम पेज के बीच में बनाइए वाई, क्लासिक्स, हाँ बीच में बनाइए एकदम। नाउ व्हाई डू यू वांट टू स्टडी क्लासिक्स, लाइक व्हाई आर वी रीचिंग टुवर्ड्स क्लासिक? अगर मान लो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंटेक्चुअल अप्रोच ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिक्स, अब सीधे तो नहीं कूदोगे आप लोग आंसर लिखने में। इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल व्हाई आर यू एक्चुअली स्टडिंग क्लासिक्स, या इंटरप्रिटेशन तक पहुंचे ही क्यों, तो वैसे ही नोट बनाओ आप लोग, ठीक है? इफ अ क्वेश्चन कम्स हाउ वुड आई थिंक, ठीक है, क्लासिक्स पढ़ते क्यों, वाई बताओ मुझे वाई, हाँ, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? नहीं, व्हाट इज द सब्जेक्ट वी आर डीलिंग विथ हियर? पॉलिटिकल साइंस। तो क्लासिक्स के कोर में क्या है? अरे नहीं बाबा, अभी उतनी दूर नहीं जा रहे हम, स्टार्टिंग बेसिक से एकदम जीरो से। पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स बना किससे है टर्म बताओ? पोलिस, पोलिस की मीनिंग क्या है? सिटी स्टेट है। तो अगर आपको सिटी स्टेट समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड स्टेट, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग, हाउ द इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स विथ रिगार्ड टू स्टेट्स आ देव, ठीक है? तो उसका सोर्स क्या है? क्लासिक्स हैं आपके, क्लासिक्स में क्या पढ़ोगे आप फिर? थॉट पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, थिंकर्स के ब्रॉड आइडिया पढ़ोगे। तो क्लासिक्स का कोर कहाँ है? लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो, इट्स गोइंग बैक टू पोलिस, पॉलिस, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस जहाँ से आ रहा है। वाई आपको क्या लिखोगे यहाँ पे? पॉलिस लिखो, वाई में लिखो पॉलिस। ठीक है, पॉलिस का ओरिजिनल मीनिंग क्या है? सिटी स्टेट, ठीक है, बट डू सिटी स्टेट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट टाइम्स? नो, मॉडर्न स्टेट पढ़ना है हमको,
इसी के बगल में लिखो ऐसे एरो बना के सिटी स्टेट, और एरो बनाओ लिखो मॉडर्न स्टेट। सिटी स्टेट मॉडर्न स्टेट, ठीक है। नाउ व्हाट डज मॉडर्न स्टेट गिव्स यू एज एन आइडिया, व्हाट इज मॉडर्न स्टेट? अगर आपसे किसी ने पूछा हमको स्टेट समझाओ क्या है, क्या बताओगे उसको? ठीक है, वो चार एलिमेंट्स हैं। आर दोज एलिमेंट्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट क्या शो कर रहे हैं? वो तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं कि स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन उसमें ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ स्टेट, ठीक है। लेकिन आप लोग ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ी है, वहां पे अप्रोचेस में गए, वहां क्या समझा आपने कि हमेशा इंस्टीट्यूशंस नहीं होती हैं, प्रोसेस भी होता है। तो यहीं से क्या आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तक लिंक कर पा रहे हो, कर पा रहे हो? ठीक है, तो लिखो मॉडर्न स्टेट, ये मेरा चेंज होता रहेगा, आप लोग बनाते जाओ। लिखो मॉडर्न स्टेट, टू फॉर्म्स में, ठीक है। एक है इंस्टीट्यूशनल स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक। व्हाट इज दिस व्यू? ट्रेडिशनल व्यू, कन्वेंशनल व्यू ऑफ स्टेट, ठीक है। कि भाई स्टेट कैसे समझते हो आप? देर इज गवर्नमेंट, देर इज टेरिटरी, देर आर पीपल, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ स्टेट, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे ट्रेडिशनल व्यू ऑफ स्टेट, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ स्टेट, ठीक। एंड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अभी हम जा नहीं रहे वहां पे, ब्रैकेट में लिख दो ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक। छोड़ दो बाकी, हमको भी जाना ही नहीं ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। नाउ दिस इज इंस्टीट्यूशन, बट इसका इवोल्यूशन कहाँ है फिर? मॉडर्न अप्रोच क्यों पढ़ते हो आप? व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेट एज अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस, व्हाट डज प्रोसेस मीन्स? नहीं, प्रोसेस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, प्रोसेस का हिंदी टर्म क्या है? प्रक्रिया, ठीक है। मान लो संविधान, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स एन इंस्टीट्यूशन, और वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट्स एन इंस्टीट्यूशन। बट डू यू रियली थिंक दैट इट्स फंक्शन एज इट वॉज एनविसाज्ड? नहीं है, लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज होती एक बार में। जब आप एक्चुअल ग्राउंड में जाते हो तो पॉलिटिक्स कैसे होती है? वो होता है प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पोलिस में मॉडर्न स्टेट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। इसमें आप स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन समझ रहे हो, लेकिन जब आप स्टेट एज अ प्रोसेस समझोगे, ठीक है, इसको क्या बोलोगे? मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। और इसी को वो, इसी से आ जाएगी आपकी क्या? मॉडर्न अप्रोचेस। इतना लिख के छोड़ दीजिए, अप्रोचेस लिख के छोड़ दीजिए, ठीक। अब वापस इसमें आइए, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में पावर पढ़ा है, थ्योरी ऑफ पावर। ट्रेडिशनली पावर का व्यू क्या है? सोचो, मतलब कुछ भी बोलो गलत। कोअर्सिव पावर, और यू कैन सी व्हाट व्हाट इज पावर, ठीक है। सोर्स दे सकते हो, हु इज द सोर्स ऑफ पावर? स्टेट इज द सोर्स ऑफ पावर। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब आ रहा है। तो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर नहीं हो गया, पावर इज कोअर्शन, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पे, लिखो ट्रेडिशनल के नीचे पावर इज कोअर्शन, ठीक है। और पावर का ओनली सोर्स कौन है? मॉडर्न स्टेट, सॉवरिन स्टेट। कैन यू ब्रीच सॉवरिन स्टेट? नो, ठीक है। तो लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच में, लिखो नीचे पावर इज कोअर्शन, लिखा। अब मॉडर्न प्रोसेस जब आएगा तो क्या हो जाएगा? पावर की मीनिंग, हाउ पावर इज शेयर्ड इन द सोसाइटी, हाउ पावर इज शेप्ड इन द सोसाइटी। पावर कैन नॉट बी सीन, उको उको तक जाना पड़ेगा, अभी हम जा नहीं रहे उधर, ठीक है। बट दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू नोशन ऑफ पावर, मॉडर्न नोशन ऑफ पावर, ठीक है। आप पावर को एज अ प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हो, पावर कहाँ से गया, किसके पास गया, किसने यूज किया, किसने नहीं किया,
ठीक है, तो उसमें लिखो जा करके, प्रोसेस में लिखो शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक। तो ये आपका वाई है, ठीक है, वाई आर यू अंडरस्टैंडिंग टू गो टू क्लासिक्स, ठीक है। इसी में एक लाइन जहां आपने पूरा बनाया, एक लाइन लिखो, इसी में लिखो, देखो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड्स एंड स्टार्ट विथ स्टेट, स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ स्टेट, पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ स्टेट, इसका स्टेटमेंट है ये, हैं, कैटल का, गार्नर का है, ठीक है, वो लिखो, पॉलिटिकल थ्योरी, कैटल का भी है, लिखो पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद स्टेट, ठीक है। जब ये लिंक हुआ वाई क्लासिक्स, थ्योरी पढ़ने कहाँ जाओगे, थॉट पढ़ने कहाँ जाओगे, क्लासिक्स में जाओगे, उसी में लिखा है स्टार्ट्स एंड एंड्स विद स्टेट, डैश करके लिखो देयरफोर, देयरफोर वी स्टडी क्लासिक, देयरफोर वी स्टडी क्लासिक, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आए, वाई क्वेश्चन क्लियर है आपका क्लासिक्स पढ़ने का, आंसर जब भी लिखो आगे ये कॉन्टेक्स्ट दिमाग में बैठा के रखना कि हम क्लासिक्स तक पहुंचे क्यों, हवा में तो नहीं आया क्लासिक्स, क्लासिक्स का वाई क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। अब वाई छोड़ के आ जाओ वाटर क्लासिक्स, वाई क्वेश्चन हो गया, नाउ मेक एन एरो, गो बैक टू वहां पे जो मैंने बनवाया था, जगह हो तो बनाओ वरना यू कैन ऑलवेज मेक न्यू वाई, व्हाट वाटर क्लासिक, What are classics? क्या है classics? Is there any criteria to define classics? है? हाँ. What is transcendental here? Throughout the time and space, ठीक है, तीन core terms क्या बताओगे अगर आपने पूछा किसी ने what is classics? Universalist होते हैं, ठीक है, timeless होते हैं, transcendental होते हैं, और भी कुछ अपने दिमाग से ऐड कर दो, foundational होते हैं, और कुछ बताओ, wisdom of ages, ठीक है, और बताओ, ऐसे सोचो, छः सात अच्छे वर्ड सोचो, यही लिखना है, ये क्लास है पार्ट, ओके, या रेलेवेंट, रेलेवेंट फॉर टुडे, तो अथॉरिटेटिव, तो ये जितना मुझे बताया है व्हाट में लिखो, पहले लिखो व्हाट आर क्लासिक्स, पहले व्हाट में पहला लिखो दे आर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, व्हाट में पहला लिखो दे आर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ठीक। अब अथॉरिटेटिव क्यों है, वो जो आपने छह सात चीजें सारी बताई है बताइए, डैश करके लिखिए सारी, एक एक वर्ड, टाइमलेस, क्लास अपार्ट, तीसरा क्या बताया था, यूनिवर्सल, फाउंडेशनल, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल आता है सबको समझ में यहां पे, और क्या बताया था, विजडम ऑफ एजेस, हो गए, ये आपका व्हाट क्वेश्चन हो गया। नाउ डू यू थिंक दैट यू माइट बी एबल टू रिमेंबर सम थिंकर हियर या सम स्कॉलर, अगर आप अगर ऐसा लिखो कि अकॉर्डिंग टू सच सच स्कॉलर वी डू क्लासिक्स बिकॉज क्लासिक्स आर ये क्वालिटी उनकी, याद कर पाओगे तो मैं लिखवाऊं वरना मैं नहीं लिखवाऊंगा, भाई ने भाई ना आगे आएंगे, बट क्लासिक्स ही क्यों, नोट्स में नहीं होगा ये, लिखो इसमें डांटे जर्मिनो, ये जितने जितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे उसको ऐसे बॉक्स में क्लोज करके लिख दो, डांटे जर्मिनो, डी ए एन टी ई जर्मिनो, ठीक है। तो डांटे जर्मिनो इज बेसिकली टेलिंग यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिक, व्हाई डू वी नीड टू गो टू क्लासिक्स, ठीक है, डांटे जर्मिनो।
इनका वर्क वर्क क्या है वो हमको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी क्लासिक्स आए तो यू नो वन स्कॉलर गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिक्स इज डांटे जर्मिनो, दैट्स इट, ठीक है। इसको अब आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब क्लासिक्स आ गया, अब मेजर मुद्दा आता है क्लासिक्स में, हाउ टू अंडरस्टैंड क्लासिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डालो, हाउ, हमारा वाई हो गया, व्हाट हो गया, अब हाउ बनाइए। क्या प्रॉब्लम्स जा सकती हैं, लाइक इफ यू वांट टू स्टडी सम टेक्स्ट, जैसे प्रेजेंट टाइम्स हम मनुस्मृति इंटरप्रेट करते हैं, देर आर मेनी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए वो बहुत अच्छा सोर्स है, किसी के लिए वो इनइक्वालिटीज प्रमोट कर रहा है, दैट्स वाई यू कैन नॉट गो बैक टू मनुस्मृति, ठीक है। तो हाउ जब हम समझेंगे, हाउ में डैश करके लिखिए इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन में अंडरलाइन करिए, एरो बना के लिखिए प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी इंटरप्रिटेशन, लॉजिकली सोचिए, है या देर आर्काइक, लिखो टू ओल्ड आर्काइक, टेक क्लासिक्स आर टू ओल्ड और आर्काइक, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम, लैंग्वेज कुड बी अ बैरियर, लिखो लैंग्वेज बैरियर। तीसरी क्या हो सकती है, सब्जेक्टिव, लिखो सब्जेक्टिव। और कुछ समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग स्पीक रोट सब्जेक्टिव वन एंड द सेम, ओके है। हाँ रेलेवेंस भी लिख सकते हो, लिख दो रेलेवेंस, लाइक सम टेक्स्ट माइट नॉट बी रेलेवेंट फॉर मी बट इट माइट बी रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है। तो हाउ टू जीरो इन ऑन वन पर्टिकुलर टेक्स्ट, कि भाई यही पढ़ना है, प्लेटो की सिर्फ रिपब्लिक पढ़नी है, क्यों 30 के बाकी के उसके 30 डायलॉग्स नहीं पढ़ने हमको, ठीक है। तो वो भी चूज करना शोज दैट इट इज नॉट फ्री फ्रॉम वैल्यू, ठीक है। यू चूज द टेक्स्ट विच यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट एंड मूव ऑन, ठीक है। एक प्रॉब्लम लिख लो, सिलेक्टिंग क्लासिक्स कैन नॉट बी वैल्यू फ्री, सिलेक्टिंग क्लासिक्स कैन नॉट बी वैल्यू फ्री, ठीक। तो ये हाउ हो गया आपका। नाउ डू यू रिमेंबर द वेरी पॉलिटिकल साइंस टर्म फॉर इंटरप्रिटेशन, हर्मिन्योटिक्स, ठीक है। तो जहां इंटरप्रिटेशन लिखा था वहां ऐसे बनाओ एरो, देखो हर्मिनियोटिक्स, HERMENEUTICS, हर्मिनियोटिक्स, ठीक। व्हाट इज हर्मिनियोटिक, इंटरप्रिटेशन, कौन बोलता है हर्मिनियोटिक्स इज इंटरप्रिटेशन, छोड़ दो मत, ठीक है। हर्मिनियोटिक्स इज इंटरप्रिटेशन। नाउ डू यू थिंक दैट एनी बडी कैन डू हर्मिन्योटिक्स और एनी बडी कैन डू इंटरप्रिटेशन, क्या मैं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, कैन आई गो एंड पिकअप सम बुक फ्रॉम MBBS एंड ट्राई टू रीड दैट, नो। तो हर्मिन्योटिक्स इज वॉट, इट्स अ स्पेशल एक्सरसाइज, रिक्वायर स्किल, ब्रैकेट में लिखो रिक्वायर स्किल, ठीक है। देयर फोर स्पेशलाइज एक्सरसाइज, therefore specialized exercise, ठीक। अब ये पेज आपका हो गया, अब इस पेज को अलग करो, मतलब या बैक में आ जाओ, एक पेज खत्म, नहीं अभी विल नीड अ लार्जर स्पेस, या इसी में लिख लो एक, देन विल गो फॉर इलेबोरेट पेज। अब हर्मेनोटिक्स करने के कितने तरीके पढ़े आपने, कौन कौन से हैं, इंटरप्रिटेटिव, तीनों में डिफरेंस बहुत क्लियरली पता है, इसको नहीं पता है, एक आई कैन एक्सप्लेन, स्लो चलेगा, नहीं पता है, पूछना है आप लोगों को प्लीज, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग दिस एक्सरसाइज इन वेन, दो क्लास एक्स्ट्रा लगेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक
है. सी देर आर थ्री मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, देयर कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो, ठीक है, बट वी आर मेजरली फोकस्ड विथ थ्री ओनली, क्योंकि बाकी जो है कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं उनसे. पहला हो गया टेक्स्टलिस्ट अप्रोच, ठीक है, अभी लिखो मत, अभी पहले समझो. पहला हो गया टेक्स्टलिस्ट अप्रोच, नाम में क्या लिखा है, टेक्स्ट मतलब डू द लिटरल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है. मान लो एक आपने रामायण उठाई, उसकी कोई चौपाई है, तो वो जो लिखी है वही समझो. अब इसको कैसे समझोगे, आपको मान लो कोई टर्म है, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लिटरल टर्म, आपको क्या होना चाहिएगा, उस समय की लैंग्वेज आनी चाहिए, उस समय की फिलॉसफी आनी चाहिए आपको, ठीक है. तो यही क्या इसका ड्रॉबैक नहीं हो सकता टेक्सुअल अप्रोच का. हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू नो द फिलॉसफी ऑफ प्लेटोस टाइम, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू नो द लैंग्वेज ऑफ प्लेटोस टाइम, ठीक है. ये टेक्स्टलिस्ट अप्रोच की क्या हो गई, यही यहीं से ड्रॉबैक भी आ गया आपका. अब टेक्स्टलिस्ट अप्रोच का इंपॉर्टेंट स्कॉलर कौन है, लियो स्ट्रॉस है, ठीक है. बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है, वो कहते हैं लियो स्ट्रॉस तो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं टेक्स्टलिस्ट अप्रोच को. अरे तो इफ यू आर अ प्रोपोनेंट ऑफ सम अप्रोच, कांट यू क्रिटिसाइज योर ओन अप्रोच, नो यू कैन क्रिटिसाइज. सो ही अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम लिमिटेशन ऑफ टेक्स्टुअल अप्रोच, इसलिए वो क्या कहता है, सेम ऑथर के या सेम स्कॉलर के कई बुक्स पढ़ते जाओ, प्लेटो की रिपब्लिक भी पढ़ो, डायलॉग भी पढ़ो, द लॉज भी पढ़ो, बट एवरी टाइम व्हेन यू डू इट गो फॉर लिटरल इंटरप्रिटेशन, टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन. हिंदी में बोलते हैं पाठ्य विषय, ठीक है, जो पाठ है वही करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. दिस इज योर टेक्सुअलिस्ट अप्रोच. ओके, वाई टेक्सुअलिस्ट अप्रोच, वाई टेक्सुअलिस्ट, हाँ ठीक है. हम क्लासिक्स को क्या बोल रहे हैं, टाइमलेस हैं, दे आर अथॉरिटेटिव. तो भाई कोई चीज अगर अथॉरिटेटिव है, मतलब अगर पापा की बात, पापा ने कोई शब्द बोला तो सर आंखों पर, यू कैन नॉट री इंटरप्रेट इन योर ओन मैनर. इसलिए टेक्स्ट को अगर क्लासिक्स की इंपॉर्टेंस इफ यू हैव टू सेव, देन यू विल हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल नोशन ऑफ क्लासिक. जो ऑथर ने बोला है वही समझो बस, उससे दाएं मत जाओ, उससे बाएं मत जाओ. दिस इज टेक्स्टलिस्ट अप्रोच. अब आते हैं आपके कॉन्टेक्स्टलिस्ट, व्हाट दे विल से, नो इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड फिलोसफी द लैंग्वेज ऑफ द ऑथर, एंड लॉट ऑफ टाइम एन ऑथर राइट समथिंग एल्स, स्पीक समथिंग एल्स, थिंक समथिंग एल्स, एंड योर टेक्स्ट गेट्स लॉस्ट इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है. ऑथर ने तो कुछ और बोलना चाहा, आपने इंटरप्रेट कुछ और करना चाहा, तो इट गेट्स लॉस्ट. एंड इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज गो टू द लिटरल इंटरप्रिटेशन, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा. ऑथर किस हिस्ट्री में बोल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या बोलना चाहता था, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट कैसे समझोगे, हिस्ट्री जानोगे, इवेंट जानोगे, फैक्ट्स जानोगे वहां के. तो इस स्कूल के प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, सेबाइन, दूसरा कौन है, स्किनर है, आपने क्या बोला, लास्की, ठीक है. अब इसी में एक और स्कूल जुड़ गया आपका, न्यू कैम्ब्रिज हिस्टोरियन स्कूल, ठीक है. अब जब कॉन्टेक्चुअल था तो न्यू कैम्ब्रिज पे हम क्यों गए फिर, लिंग्विस्टिक है, बट जो आपके न्यू कैम्ब्रिज वाले हैं, दे आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ टेक्सुअल एज वेल एज कॉन्टेक्चुअल, ठीक है. वो कह रहे हैं कि हाँ टेक्सुअलिस्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए आप कॉन्टेक्चुअलिस्ट में आओ, लेकिन आप पूरी तरह कॉन्टेक्चुअलिस्ट भी नहीं हो सकते, आपको कहीं ना कहीं जाके टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है. सो दे आर वॉट, दे आर अ गोल्डन मीन बिटवीन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, न्यू कैम्ब्रिज हिस्टोरियन वाले, ठीक है, ये आप चीज याद रखना. अब ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों आए, ये कह रहे हैं कि हो सकता है टेक्स्टलिस्ट जो कह रहे हैं सही हो, ठीक है. यू आर लुकिंग फॉर सम पेरिनियल प्रॉब्लम, ठीक है, मान लो करप्शन की प्रॉब्लम तब भी थी, अब भी है, देयर कैन बी पेरिनियल प्रॉब्लम, लेकिन उसके पेरिनियल सॉल्यूशन नहीं हो सकते. न्यू कैम्ब्रिज वाले क्या कह रहे हैं कि उस ऑथर की लैंग्वेज समझो, उस ऑथर ने उस सोसाइटी के लिए कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दोज सॉल्यूशंस आर रेलेवेंट फॉर मॉडर्न टाइम्स. देयर कैन नॉट बी पेरिनियल प्रॉब्लम, इवन इफ दे आर, देयर आर पेरिनियल प्रॉब्लम, देयर कैन नॉट बी पेरिनियल सॉल्यूशन, ये न्यू कैम्ब्रिज वाले कह रहे हैं. इसलिए देखो सेबाइन वेबाइन का क्या स्टेटमेंट है, एवरी पॉलिटिक्स हैज इट्स हिस्ट्री, एवरी पॉलिटिकल थ्योरी कम्स विद अ हिस्ट्री, ठीक है. देर इज नो एंड टू पॉलिटिक्स, देर इज नो एंड टू पॉलिटिकल थ्योरी. क्यों, क्योंकि
क्योंकि चेंज होगा, आपको आज की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, आपके कुछ और सॉल्यूशन निकलेंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी इज व्हाट, इज एन इनडिटर्मिनेट एक्सरसाइज, चलती रहेगी चलती रहेगी। ये कॉन्टेक्स्ट वाले आ गए, ठीक है। अब फाइनल कौन सी है हमारे पास, इंटरप्रिटेटिव। कौन है इनके प्रोपोनेंट्स, डेरिडा है, फूको को भी ला सकते हो यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं, क्यों करना है डीकंस्ट्रक्ट, बिकॉज हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कुछ समझने की, ठीक है। ऑथर वॉन्ट्स टू से समथिंग एल्स, ही राइट्स समथिंग एल्स, यू इंटरप्रेट समथिंग एल्स, यू टेक समथिंग एल्स, ठीक है। एंड हमेशा जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है, जो डोमिनेंट कास्ट या क्लास होती है, उनका इंटरप्रिटेशन आगे तक जाता है। व्हाट अबाउट सब अल्टरनेट इंटरप्रिटेशन, या समबडी हु वाज नॉट इन द पावर, क्या उसकी वैल्यू क्या, या उसके कॉन्सेप्ट्स आपने इम्प्लॉय किए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब अल्टरनेट्स। तो डबल रीडिंग क्यों करनी है, पहले जानो डोमिनेंट कौन था, फिर जानो सब अल्टरन कौन था, देन व्हेन यू रीइंटरप्रेट, यू डबल रीडिंग, यू डू डीकंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, देन यू गेट टू नो द अल्टर व्यू ऑफ इट, ठीक है। सो एवरी अंडरस्टैंडिंग इज मिसअंडरस्टैंडिंग। क्लासिक्स को इतने पेडेस्टल पे मत बैठाओ, ट्राई टू यूज इट डीकंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब ये तीनों डिबेट्स चल रही हैं, इसको एंड कौन करेगा, ये डिबेट्स को एंड कौन करेगा, टेरेंस बॉल, ही विल से यूज एनी इंटरप्रिटेटिव मेथड या एनी मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी यू वॉन्ट टू से, ठीक है। एंड देन ही गोज ऑन टू गिव 8 ways to interpret any classic, any text, ठीक है। वहां पे आपका आंसर एंड होगा। मान लो ये 20 मार्कर अगर क्वेश्चन आता है, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, वाई से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इंटरप्रिटेशन के क्या मेथड्स हैं, देन यू हैव टू राइट इन एन एसे फॉर्म कि भाई टेक्स्ट आया पहले, उसकी ये ड्रॉबैक थी, कंटेक्चुअलिस्ट आए, इन दोनों को राउंड अबाउट करते हुए इंटरप्रिटेटिव आते हैं, वो कहते हैं यू कैन नेवर अंडरस्टैंड क्लासिक्स। But ultimately, Terence Ball ends the debate and he gives 8 methods of interpretation and says, use any method whatsoever according to your choice. So his method is what? Policy-driven interpretation. Policy के हिसाब से आप interpret. Clear है अब? अब इसको हमको notes में बनाना है, ठीक है? अब मैंने क्या लिखवाया वहाँ पे? Last क्या बनवाया था आपको? हाँ, हाँ दो बार आ चुका है, तभी तो चालू किया है पढ़ाना। बट देर आर चांसेस यू माइट नॉट इंटरप्रेट इट इन अ करेक्ट मैनर, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। जैसे एक बार तो डायरेक्ट पूछ लिया कंटेक्चुअलिस्ट, बट मान लो अभी मैं डील करवाऊंगा, एक स्टेटमेंट आ गया मान लो कि देर इज नो स्टार्ट एंड एंड टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये सेबाइन का स्टेटमेंट भी आपको दे दिया, तो आपको समझना है कि भाई ये कंटेक्चुअल अप्रोच पूछ रहा है आपसे। अब इसमें कई लोग क्या आंसर लिखेंगे, पॉलिटिक्स इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, नेचर स्कोप बदलता रहता है, पहले वो आए फिर वो आए फिर वो आए, वो भी सही है, बट टू एन एक्सटेंट आउट ऑफ 12 मार्क्स यू माइट गेट 3 मार्क्स बिकॉज यू आर ओनली डीलिंग विद वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट दिस क्वेश्चन इज मोर ऑन कंटेक्चुअलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द क्लासिक्स, ठीक। चलिए अब इसको बनाइए, मेथड्स ऑफ हर्म्योनॉटिक्स, एक ब्रॉड लाइन डालिए, मेथड्स ऑफ हर्म्योनॉटिक्स, मेथड्स ऑफ हर्म्योनॉटिक्स, मेथड्स ऑफ हर्म्योनॉटिक्स, ठीक है। उसमें तीन ऐसे पहले ब्रांचेस बना लीजिए, टेक्सुअल, ऐसे पहले सिर्फ ब्रांचेस बनाइए, टेक्सुअल, कंटेक्सुअल एंड इंटरप्रिटेटिव, टेक्सुअल, कंटेक्सुअल एंड इंटरप्रिटेटिव, ठीक। अगर आपके पास जगह है तो फिर टेक्सुअल के नीचे ही लिखते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। टेक्सुअल का लिखो, टेक्सुअल्स डील विथ व्हाट क्वेश्चंस, व्हाट, दे टेल यू व्हाट टू स्टडी इन क्लासिक्स। तो क्या बोलते हैं क्लासिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, प्योर मीनिंग्स, ठीक है, प्योर थॉट्स, लिखो व्हाट, लिखो वॉट, डैश करके लिखना, लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन, ठीक। अब लिखो वाई, क्यों, वाई लिटरल इंटरप्रिटेशन, बताओ लिटरल इंटरप्रिटेशन क्यों करना है क्लासिक्स का,
क्योंकि क्लासिक्स क्या है, यूनिवर्सल है, ट्रांसेंडेंटल है, अथॉरिटेटिव है, वैसे ही पढ़ोगे जैसा बोल रहा है। ठीक है, तो वाई में एरो डॉट बना के वहां वो एरो स्टार ड्रॉप कर दो जो स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने, वाटर क्लासिक्स, वही चीज हो गई। क्यों दोबारा लिखोगे, लिखना है दोबारा 8 चीज नहीं लिखनी, खत्म, बन गया कनेक्टर आपके। ऐसे नोट्स बनाना होता है। ठीक है, तो इसके प्रोपोनेंट कौन है, लियो स्ट्रॉस, नाम लिखो, हाँ प्लैमेनार्ट्स, प्लैमेनार्ट, लियो स्ट्रॉस दोनों लिखो, प्रोपोनेंट प्लैमेनार्ट्स, स्पेलिंग पता है, दूसरा लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस के वर्क का नाम लिखिए यहीं पे एरो डाल के, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड क्राइसिस ऑफ अवर टाइम्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड क्राइसिस ऑफ अवर टाइम्स। ठीक है, ये उनके वर्क का नाम है। ठीक, क्राइसिस ऑफ अवर टाइम्स, ठीक, इसी में लिखो क्राइसिस ऑफ अवर टाइम्स को अंडरलाइन करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइसिस ऑफ अवर टाइम्स, क्यों बोल रहा है ये स्ट्रॉस, पढ़ के आए हो आप लोग, क्राइसिस ऑफ अवर टाइम्स क्यों बोल रहा है, व्हाई व्हाई फिलोसफी इज सडनली अंडरगोइंग क्राइसिस ऑफ सम टाइम, राइज ऑफ बिहेवियरिस्ट। ठीक है, तो क्राइसिस ऑफ अवर टाइम्स को अंडरलाइन करके एरो बनाओ, राइज ऑफ बिहेवियरिस्ट, बस इतना करके छोड़ दो। ठीक है, उसी में एरो करके लिखो देयरफोर गो फॉर फिलोसॉफिकल डैश नॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक, ये होगी टेक्सुअल अप्रोच। राइज ऑफ, देखो बिहेवियरिज्म क्या था, दिस वॉज अ मूवमेंट इन 70s इन अमेरिका, दे वर ट्राइंग टू मेक पॉलिटिकल साइंस प्योरली साइंस, ट्राइंग टू ब्रिंग द मेथड्स ऑफ साइंस। जब आप साइंस लाते हो तो वहां से फिलोसफी हट जाती है। तो लियो स्ट्रॉस कह रहा है कि दिस इज द क्राइसिस ऑफ अवर टाइम, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स विद साइंटिफिक मेथड्स, इट कैन नॉट हैपन। ठीक है, तो गो बैक टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, सीखो उनसे उन्होंने कैसे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी। ठीक है, यही वो चीज कह रहा है, क्राइसिस ऑफ अवर टाइम, देयरफॉर गो फॉर फिलोसॉफिकल या नॉर्मेटिव या लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब नॉर्मेटिव मतलब कैसी होनी चाहिए दुनिया, फिलॉसफी क्या बताती है, ऑट टू क्वेश्चन, क्या होना चाहिए, क्या है वो नहीं। ठीक है, तो जब आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करोगे तब आप जानोगे कि प्रेजेंट में आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सोसाइटी को ऑट टू बनाया जाए। ठीक है, जहां मैंने फिलोसॉफिकल लिखाया है वहीं ब्रैकेट में लिख लो इट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक, इट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। कैसे है ड्रॉबैक, हाउ 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 टू अंडरस्टैंड फिलोसफी, सबके बस की बात नहीं है फिलोसफिकल नॉलेज, तो वहीं ब्रैकेट में लिख कर डाल दो इट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। ठीक, तो आपकी टेक्सुअल अप्रोच हो गई यहां पे। अब सेकेंड में आओ, समझ में आया कि फिर से बताना है, आ गया, नाउ कम टू है, यही है ड्रॉबैक, बाकी अब आप दिमाग से लिखोगे सब चीजें ना। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि ये फिलॉसफी सीखने बोलते हैं, भाई किसी को नहीं आती फिलॉसफी। ठीक है, इसकी ड्रॉबैक ही सबसे बड़ी ये है, यू कैन नॉट गो फॉर लिटरल इंटरप्रिटेशन अनलेस एंड अंटिल यू नो द फिलॉसफी टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज ऑफ दैट एरा ऑफ दोस टाइम्स। ठीक है, नाउ कम टू कॉन्टेक्चुअल अप्रोच, इसके प्रोपोनेंट्स कौन से हो गए, सेबाइन लिखिए, लास्की लिखिए। ठीक है, नाउ कॉन्टेक्चुअल, हमने टेक्सुअल अप्रोच क्या बोला था, वो बताती है व्हाट, क्या पढ़ना है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच बताती है व्हाई, देखो व्हाई इट सॉल्व्स व्हाई क्वेश्चन। ठीक है, टेक्स्ट अगर आप पढ़ भी रहे हो क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, व्हाई के नीचे लिखो टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड
हिस्ट्री कॉमा सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कॉमा बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर ठीक। क्यों आपको बैकग्राउंड क्यों जानना है, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो? नहीं, इन जनरल जैसे अगर मैं आपको फिलॉसफी पढ़ने बोलूं और आपको हिस्ट्री पढ़ने बोलूं, क्या इजी है? हिस्ट्री है, क्यों? कुछ फैक्ट्स हैं, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ कॉन्क्लूजन्स बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। फिलॉसफी में कॉमन सेंस लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों? वो लॉजिक है, आपको माइंड सोल और कहाँ कहाँ रैशनलिज्म पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी में लिखो लिखो कॉमन सेंसिकल अप्रोच, कॉमन सेंसिकल अप्रोच। ठीक, अब इसमें ही थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। पहले लिखो सेबाइन, लास्की लिख लो, पहले लास्की लिखो। लास्की के क्या स्टेटमेंट है? चाइल्ड ऑफ हिस टाइम, वहीं लिखो, ये पहला स्टेटमेंट लिखो लास्की का, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिस टाइम। एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिस टाइम। ठीक है, इसको इलैबोरेट कुछ नहीं करना, समझ में आ गया आपको? नाउ राइट सेकेंड प्रोपोनेंट सेबाइन, सेकेंड प्रोपोनेंट सेबाइन। सेबाइन की बुक का नाम लिखिए, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक, अब सेबाइन के दो स्टेटमेंट्स हैं, देयर कैन बी स्टैंड अलोन क्वेश्चंस ऑन देम ऑल्सो। ठीक है, तो यू शुड नो द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट लिखो, लिखो थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स, थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स हैव अ पास्ट ऑफ पॉलिटिक्स, थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स हैव अ पास्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट लिखो, लिखो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी हैज नो कंक्लूडिंग चैप्टर, पॉलिटिकल थ्योरी हैज नो कंक्लूडिंग चैप्टर। ठीक है, अब इसको समझो। मान लो ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन आया, इफ इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन, क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? पूरा ज्ञान लिखोगे इसमें? अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आया, पूरा बताओगे, तब पूरी हिस्ट्री बताओगे? आई एम जस्ट आस्किंग, इवन आई डोंट नो। अगर 10 मार्कर आया, ये स्टेटमेंट आया, हाउ वुड यू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट क्वेश्चन? करोगे, ठीक है, बट कंटेक्चुअलिस्ट डिफाइन करोगे, समझाओगे एक लाइन? ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? सेबाइन बीइंग अ कंटेक्चुअलिस्ट, सेबाइन बीइंग अ प्रोपोनेंट ऑफ कंटेक्चुअलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिक्स ब्रिंग्स अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच एंड प्रपोजेस हाउ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स आर इंटरलिंक्ड। देयरफॉर ही ऑल्सो एस्टैब्लिशेस द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एज एन एक्सरसाइज। ये इंट्रो हुआ आपका। इसमें आपने गागर में सागर भरा, 4 लाइन में सब बता दिया क्या लिखने वाले हो आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ से फिर इलेबोरेटली बताओ आप कि कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच क्यों आई। अगर 10 मार्कर है तो 2 लाइन में लिख के निकल जाओ कि टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच की प्रॉब्लम थी, देयर वर टू फिलोसॉफिकल, देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिक्स एंड वेयर इन द कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच कम्स इन। इतना फॉर सेबाइन, ये 2 स्टेटमेंट है, इलेबोरेट करना है हमको उसमें, तो एक्सप्लेन करिए एंड देन मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। ये 10 मार्कर आंसर होता है। अगर यही चीज 15 मार्कर होती तब इसमें लिखा, एक लाइन आप स्टार्टिंग में बताते कि क्लासिक्स को इंटरप्रेट करने के कई तरीके हैं, सेबाइन बिलोंग्स टू
कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच ये सब करते, 20 मार्कर होता तो कैसे डील करते सेम क्वेश्चन, क्लासिक से स्टार्ट करते बट सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ी कहानी पूरी देते, ठीक है, कि टेक्सचुअलिस्ट कौन थे, कहाँ से आए, उसके कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन में आपके कंटेक्सचुअलिस्ट आए, ठीक है। तो सब में कोर वही है, बस लिखने का तरीका चेंजेस बेस्ड ऑन द मार्क्स। इन 10 मार्कर यू डायरेक्टली अप्रोच द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्यों पूछा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी रट के नहीं जा सकते इंट्रोडक्शन, यू हैव टू फ्रेम इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड, ठीक। अब ये दो स्टेटमेंट जो लिखाए हैं इससे क्या समझ रहे हो आप लोग, पहला क्या था, थियरी ऑफ पॉलिटिक्स हैज पास्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, और क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। और जो नो एंड वाला लिखाया मैंने सेकंड स्टेटमेंट, आर दीज टू स्टेटमेंट्स लिंक टुगेदर, या आर दीज टू स्टेटमेंट्स लिंक टुगेदर, लिंक करके देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट को। तो मान लो दूसरा स्टेटमेंट आया तो क्या उसमें पहला स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, पहला आया तो दूसरा कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट हमको इलैबोरेट नहीं करना है, यहाँ पे अपने डायग्राम के लिए बनाओ ऐसे, इधर बनाओ पॉलिटिक्स, इधर बनाओ हिस्ट्री, ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट का सेम मीनिंग है, ठीक है। ऐसे लिखो, पॉलिटिक्स इज व्हाट, प्रेजेंट हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री इज व्हाट, पास्ट पॉलिटिक्स, डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है। बोथ आर एक्टिंग, पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, ठीक है। अब कुछ भी आएगा तो बिल्कुल ज्ञान दे सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, दैट पॉलिटिकल थियरी इज व्हाट, इंटरडिसिप्लिनरी, पॉलिटिकल साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, लिखो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ थियरी, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ थियरी, नेक्स्ट क्या इंटरप्रेट कर सकते हो स्टेटमेंट का, टेक्स्टलिस्ट क्या बोल रहे हैं अभी तक, देर इज सम फाउंडेशनल मीनिंग, लेकिन कंटेक्स्टलिस्ट कह रहे हैं जब कोई एंड ही नहीं है चैप्टर का, दैट मीन्स देर इज नो फाउंडेशनल मीनिंग, लिखो देर इज नो फाउंडेशनल मीनिंग इन क्लासिक्स, देर इज नो फाउंडेशनल मीनिंग इन क्लासिक्स, देयर फोर अंडरस्टैंड ओनली वॉट कंटेक्स्ट, देयर फोर अंडरस्टैंड ओनली कंटेक्स्ट, ठीक। अगर और इलेबोरेट करना है, क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो विद ब्रिंगिंग फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ, प्लेटो याद है, प्लेटो एथेंस को ग्रेट बनाना चाहता था, ठीक है, प्लेटो एथेंस के हाल क्यों हुए थे, बिकॉज ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। अगर हमको ये समझना है कि वाई प्लेटो वेंट ऑन टू राइट रिपब्लिक, विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर वॉज सम पेलोपोनेशियन वॉर, आप हिस्ट्री समझ रहे हो, ठीक है, सर्कमस्टेंस समझ रहे हो, किस सर्कमस्टेंस में प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के लिए लिख लो, प्लेटो राइटिंग रिपब्लिक आफ्टर पेलोपोनेशियन वॉर, एग्जाम्पल हो गया आपका, ब्रॉड एग्जाम्पल, प्लेटो राइटिंग रिपब्लिक आफ्टर पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक। अब जब आप सेबाइन पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा नोट्स, ही सेज दैट थ्योरी जो होती है उसके तीन फीचर्स होते हैं गुड थ्योरी के, याद है, आप लोग पढ़ के नहीं आए हो,
हैं, थोड़ा सा पढ़ के आइए आप लोग, तभी नोट्स मेकिंग में हेल्प होगी, ठीक है? यू विल गेट द मेल और टेलीग्राम मैसेज बिफोर हैंड कि ये दो टॉपिक्स पढ़ के आने, इतना तो करके आइए. आई एम नॉट सेइंग रिमेंबर एवरीथिंग, आई विल मेक यू रिमेंबर योर, एटलीस्ट रिवाइव करके आइए, ठीक है? तो वाई सेबाइन, अब ये भी इससे ही लिंक होगा कि वाई पॉलिटिकल थियरी या पॉलिटिक्स हैज नो एंड. टेक्स्टलिस्ट क्या कह रहे हैं, एक टेक्स्ट लिख दिया वो चलता जा रहा है, आप टेक्स्ट पढ़ते जा रहे हो, तो भाई aren't textualists saying that knowledge has ended? जरूरत ही नहीं भाई, प्लेटो लिख गया तो आज की डेट में फिर मोदी जी को कोई किताब लिखने की जरूरत ही नहीं, भाई प्लेटो लिख गया उससे बड़ा तो कुछ है नहीं. बट वेन सेबाइन सेज दैट पॉलिटिकल थियरी हैज नो एंड, वॉट डज ही इम्प्लाई? दैट नॉलेज हैज नो एंड, यू हैव टू कीप अपडेटिंग नॉलेज. हाउ टू अपडेट योर नॉलेज? बाय अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, बाय अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट एटसेट्रा. तो बेस्ट पॉलिटिकल थियरी कौन सी होगी जो स्टैटिक ना हो, ठीक है? बेस्ट लिखो कि मैं लिंक करके लिखो, लिखो सिंस, सिंस थियरी एंड पॉलिटिक्स हैज नो एंड. देयरफॉर थियरी शुड बी व्हाट? डायनेमिक. थियरी शुड बी डायनेमिक, ठीक? थियरी शुड बी डायनेमिक. डैश करके लिखो, लिखो एनी गुड थियरी और अप्रोच, एनी गुड थियरी और अप्रोच हैज थ्री क्राइटेरियाज, हैज थ्री क्राइटेरियाज. क्या है थ्री क्राइटेरिया? आप लिख नहीं रहे हो, हैज थ्री क्राइटेरियाज. देखो पहला फैक्चुअल, ठीक है? दूसरा लिखो कॉजल, कॉजल सी ए यू एस ए एल, फैक्चुअल पहला, सेकेंड इज कॉजल एंड थर्ड इज इवैल्यूएटिव, इवैल्यूएटिव. सेकेंड इज कॉजल, आई राइट सी ए, फर्स्ट इज फैक्चुअल, सेकेंड इज कॉजल एंड थर्ड इज इवैल्यूएटिव. अब पेलोपोनेशियन वॉर जो बताई मैंने एग्जाम्पल, इसमें फिट हो रही है? अगर प्लेटो रिपब्लिक लिख रहा है, कुछ फैक्ट्स हैं कि ऐसी वॉर हुई, ठीक है? कॉजल क्या है? यू हैव टू लुक फॉर कॉजेस, क्यों हुई, कैसे हुई, कौन था कौन नहीं था, कॉजल है, ठीक है? इवैल्यूएटिव है, बिकॉज व्हाट इज इवैल्यूएटिव? जो आप नॉर्मेटिविज्म पूछ रहे थे वही इवैल्यूएटिव है. अल्टीमेटली रिपब्लिक लिखने का मोटिव क्या था? कि लोगों को ये बताओ कि तुम्हारे रूलर्स गधे हैं, इग्नोरेंट हैं, वो दे आर ओनली डूइंग करप्शन. थ्योरी बिल्डिंग का या अप्रोच या क्लासिक इंटरप्रेट करने का आउटकम क्या हुआ? अल्टीमेटली यू आर इवैल्यूएटिंग सर्कमस्टेंसेस कि हम वहां से यहाँ पहुंचे कैसे, यहां से निकल के जाना कहाँ है, ठीक है? यू आर ब्रिंगिंग इन नॉर्मेटिव एलिमेंट ऑल्सो, ठीक है? एनी गुड अप्रोच और थियरी has these three elements, and since you will go for evaluation, do you think theory can be static? नहीं, आज की ये problem है, कल की कुछ और problem होंगी, परसों की कुछ और problem होंगी, so you have to keep evaluating, and that's why theory also will keep changing. Context approach यही कह रही है, हर बार हर author का context बदलेगा, ठीक है? वो गाना है रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वही है इसमें contextual approach, factual, evaluative and causal. ठीक है, जो पेलोपोनेशियन वाला दिया था उसी को इसमें एरो बना के लिंक कर लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा आपके, ठीक है? तो एनी गुड अप्रोच, टेक्सुअल अप्रोच में तीन एलिमेंट्स हैं, टेक्सुअल अप्रोच की थ्योरी में या टेक्सुअल अप्रोच में ये तीनों दिखता है आपको? टेक्सुअल अप्रोच कैन एक्ट मैक्स बी फैक्चुअल, कॉजल तो है नहीं, क्यों? कॉज जानने की भी नहीं कोशिश कर रहे हैं, जब कॉज ही नहीं जान रहे होगे तो इवैल्यूएटिव कहां से हो जाओगे आप, ठीक है? तो आपकी टेक्सुअल अप्रोच डज नॉट फुलफिल दीज टू क्राइटेरियाज ऑफ अ गुड अप्रोच. तो टेक्सुअल अप्रोच के ड्रॉबैक में इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर ड्रॉबैक आया टेक्सुअल अप्रोच का लिख सकते हो, लिख लो अपनी अंडरस्टैंड. दो तीन पेन कलर यूज करूं,
बिकॉज टेक्सचर अप्रोच इज ओनली टेकिंग अ लिटरल इंटरप्रिटेशन, इट इज नॉट अंडरगोइंग द कॉजेज. अगर अगर मान लो लिखा है ऑथर ने कि ये कॉज है तो वो मानेंगे तब, अगर नहीं लिखा है तो दे वोंट गो टू अंडरस्टैंड इट. लिखा है तो मान लेंगे, तो मान लेंगे. लेकिन अगर यहां हम क्या कर रहे हैं, हम ऑथर का बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर ऑथर इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट आर द कॉजेज ही इज इंप्लाइंग टू, व्हाट आर द कॉजेज ही वांट टू अंडरस्टैंड, नॉट वांट टू अंडरस्टैंड. वहां अगर ऑथर ने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई लेना ही देना नहीं. ठीक है, तो यू आर लिटरली इंटरप्रेटिंग. मान लो कोई बुक है, वहां पे कुछ कॉज ही नहीं दिया एंड तक. ठीक है, लिख सकते हो, लिख सकते हो. बट आई थिंक जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये दोनों एलिमेंट मिसिंग है. ठीक है, आप क्रॉस कर सकते हो. या आई टोल्ड यू, वही बोला मैंने, फिलोसॉफिकल अप्रोच. बट देयर फिलोसफी इज अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द ऑथर ऑफ दैट टाइम. दे आर नॉट सेइंग यूज फिलोसफी टू टेल समथिंग हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है, उनकी फिलोसफी उनकी लैंग्वेज समझने के लिए करो. या से दैट. सो टेक्सुअल इज वॉट मोर डिस्क्रिप्टिव, दिस कुड बी समथिंग प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब भी कर रही है, नॉर्मेटिव है, इवेल्युएटिव है. ठीक है, यू कैन यूज ऑल दीज टर्म्स अपने हिसाब से. ठीक है, कुछ ह्यूमैनिटीज में सब सही है एज लॉन्ग एज इट इज लॉजिकल. ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच. लेकिन कंटेक्चुअलिस्ट में हमने एक एक बड़ा पहाड़ बच रहा है क्या, न्यू कैम्ब्रिज या हिस्टोर. ठीक है, लिखो इसी में, लिखो. जगह है आप लोग की, बन जा रहे हैं ना नोट्स, यही रिवाइज करना है. लाइक विल एक्सेस विल डू ट्राई टू मेक योर नोट्स इन अ शॉर्टर वर्जन इन द क्लासेस. ठीक है, लिखो कैम्ब्रिज स्कूल और न्यू हिस्टोरियन स्कूल. अभी हम कंटेक्चुअलिस्ट ही कर रहे हैं, मैं आपके आ गए कैम्ब्रिज स्कूल या न्यू हिस्टोरियन स्कूल, सेम है. ठीक है, इनके प्रोपोनेंट हैं स्किनर, SKINER, स्किनर. ठीक है, इनकी बुक का नाम लिखो विजन ऑफ पॉलिटिक्स, विजन ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक, मैं फिर से समझा रहा हूं, ये आए क्यों न्यू हिस्टोरियन. टेक्सुअलिस्ट कह रहे हैं कि जो ऑथर बोल के गया वो समझो, कंटेक्सुअलिस्ट कह रहे हैं आज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कॉन्टेक्स्ट समझो. न्यू हिस्टोरियन कह रहे हैं या कैम्ब्रिज स्कूल वाले कह रहे हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, यू बोथ आर कमिंग फ्रॉम एन एजम्पशन कि हर सोसाइटी में पेरिनियल प्रॉब्लम्स होती है, मतलब करप्शन जो है वो तब भी था अब भी है, जरूरी है ना हो, पहली चीज. दूसरी चीज, द सॉल्यूशन विच वे गिवेन बाई दैट पर्टिकुलर ऑथर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर टाइम मे नॉट बी वैलिड फॉर द सेम प्रॉब्लम इन दिस टाइम. ठीक है, आप क्या करो, जाओ उसके टेक्स्ट की या उसने जो लैंग्वेज लिखी है बस उसका कॉन्टेक्स्ट समझो, उसी के वहीं पे सॉल्यूशन समझ के छोड़ दो. डोंट ट्राई टू ब्रिंग इन दोस पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर टूडेज प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये क्या है, दे आर द गोल्डन मीन बिटवीन कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट. कैसे कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट जानो लेकिन उस समय का जान के वहीं छोड़ दो, उसको यहां मत लाओ. ठीक है, अब वहां जब तुम जाओगे टेक्स्ट पढ़ने, लैंग्वेज पढ़ने, लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट करने, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ दोस टाइम्स, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज, फिलोसफी ऑफ द लैंग्वेज. ये टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को मिला रहे हैं. ठीक है, आया समझ में कि कंफ्यूजन है, पूछ लो. हाँ, तुम टेरेंस बॉल को ला सकते हो, दे आर नॉट करेक्ट ऑब्वियसली. फिर से, न्यू कैम्ब्रिज हिस्टोरियन आर अ मिक्स ऑफ बोथ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग दैट आप कॉन्टेक्स्ट समझो लेकिन लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट समझो. ठीक है, आपको सॉल्यूशन समझने हैं, जानने हैं, आप समझो
बट डोंट ट्राई टू ब्रिंग इन दो सॉल्यूशंस टू प्रेजेंट टाइम्स, दे मे नॉट बी रेलेवेंट टूडे. ठीक है, तो व्हाट दे आर सेइंग, देयर आर नो पेरिनियल प्रॉब्लम्स एंड देयर आर नो पेरिनियल सॉल्यूशंस टू दोस प्रॉब्लम्स. लेकिन यही क्रिटिसिज्म हो सकता है कंटेक्चुअल वालों का भी, कि आप फिर क्लासिक पढ़ ही क्यों रहे हो जब आपको सब चीज रीइंटरप्रेट करनी है, या आप क्लासिक्स को एम्प्लॉय ही नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो क्लासिक्स पढ़ ही क्यों रहे हो. तो दिस इज ऑल क्रिटिसिज्म ऑफ दिस कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच. ठीक है, कि यू आर किलिंग क्लासिक्स अल्टीमेटली इन लुकिंग लुकिंग द कॉन्टेक्स्ट. ये टेक्स्टुअलिस्ट कम बैक करते हैं इन पे, यू आर किलिंग द क्लासिक्स. ठीक है, लियो स्ट्रॉस बोलेगा यही सेम चीज. ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है. तुम एक ही ऑथर के 4 बार टेक्स्ट पढ़ लो, एक से नहीं समझ में आया दूसरा पढ़ो, दूसरा नहीं समझ में आया तीसरा पढ़ो, बट डोंट ट्राई टू चेंज द यूटिलिटी एंड नेचर ऑफ द क्लासिक्स बाय गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट अप्रोच टू इट. लियो स्ट्रॉस ही सेम चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे. ठीक है, लिखो क्या लिखा है, विजन ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें डैश करके लिखो. हाँ, क्या चीज? कॉन्टेक्चुअल अप्रोच और ये जो न्यू कैम्ब्रिज स्कूल इसका कंपैरिजन बता इनका दो. कंपैरिजन ये है कि कंटेक्चुअलिस्ट जो हैं टोटली हिस्टोरिकल अप्रोच के हैं, टोटली कॉन्टेक्स्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू कैम्ब्रिज या हिस्टोरियन वाले हैं वो टेक्स्ट को भी ला रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच की तरफ भी जा रहे हैं. दे आर मोर लाइक अ गोल्डन मीन बिटवीन कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट. और वो क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट तो पिक करो, लेकिन टेक्स्ट को लिटरली पढ़ने की बजाय टेक्स्ट में यूज हुई हुई लैंग्वेज के हिस्ट्री को जानो. आप ऑथर की हिस्ट्री मत जानो, ऑथर का बैकग्राउंड मत जानो, पेलोपोनेशियन वॉर क्यों हुई वो मत जानो, पेलोपोनेशियन वॉर के लिए रिपब्लिक में क्या लिखा वो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, बिकॉज लैंग्वेज हैज अ कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, और जो सॉल्यूशन दे रहा है वो ऑथर, वो सिर्फ एथेंस के लिए है. ठीक है, क्योंकि वैसी प्रॉब्लम मॉडर्न नेशन स्टेट की नहीं है. देयर आर नो पेरिनियल प्रॉब्लम्स, देयर फोर देयर इज नो पेरिनियल सॉल्यूशन. सर वो कौन कौन क्राइटेरियाज पे आएंगे, फैक्चुअल कॉजल और इवैल्यूएटेड में? न्यू कैम्ब्रिज वाले फैक्चुअल में तो आ जाएंगे, कॉजल में भी आ जाएंगे, बट इवैल्यूएटिव में नहीं आ पाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, मत दो, डोंट यूज इट. ठीक है, वो सॉल्यूशन वहीं के लिए रेलेवेंट था, देर आर नो पेरिनियल प्रॉब्लम, तो ये भी कंप्लीट अप्रोच नहीं होगी. ठीक है, ऐसे सोच सकते हो आप, मतलब मैंने तो पढ़ा नहीं है वो, बट मेरा दिमाग वो कह. ठीक है, चलिए क्या लिखाया. हाँ, इसमें लिखिए गोल्डन मीन बिटवीन टेक्स्टुअलिस्ट एंड कंटेक्स्टुअलिस्ट. गोल्डन मीन बिटवीन टेक्स्टुअलिस्ट एंड कंटेक्स्टुअलिस्ट. ठीक, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑथर. ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड बाई द ऑथर. ठीक है, जैसे कि ऐसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिख लो, जैसे कि जाति शब्द है, ठीक है, उसकी सब जगह मीनिंग चेंज होती रहती है. ठीक है, तो जाति शब्द लैंग्वेज का, जाति वर्ड का क्या यूज हो रहा है, किस समय में कैसा यूज हो रहा है, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ठीक है, लिख लो. फॉर एग्जाम्पल, जाति, द टर्म जाति, इट चेंजेस इट्स मीनिंग. जैसे रिपब्लिक शब्द भी है, प्लेटो के समय में इट यूज टू मीन जस्टिस, प्रेजेंट टाइम्स में व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक, दैट पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरीबॉडी, इट्स नॉन हेरिडिटरी. ठीक है, और आगे, और एक और मीनिंग है रिपब्लिक की. है? नहीं, एक वो तो बता दिया मैंने, पब्लिक ऑफिस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी. एक रिपब्लिक की मीनिंग होती है सिविक पार्टिसिपेशन एंड ऑल, सिविक रिपब्लिकनिज्म पढ़ते हो, तो एक ही शब्द की 3 मीनिंग हो गई. हो गई, वही वो कह रहे हैं कि हर लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट होता है, हर लैंग्वेज की अलग मीनिंग होती है. तो ऑथर की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने से अच्छा है लैंग्वेज की समझो. ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट लिख लो, इनका एक स्टेटमेंट लिखो. देखो, देयर आर नो पेरिनियल पेरिनियल प्रॉब्लम्स इन फिलोसफी.
देयर आर नो पेरिनियल प्रॉब्लम्स इन फिलोसफी। पेरिनियल की मीनिंग क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है। हर सोसाइटी की अलग प्रॉब्लम है। देयर फोर देयर आर ओनली इंडिविजुअल आंसर्स टू इंडिविजुअल क्वेश्चन। समझ में आया स्टेटमेंट का मीनिंग? ठीक है, मतलब देयर आर ओनली इंडिविजुअल आंसर्स टू इंडिविजुअल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है, बोलो जाओ, छोड़ो उसको जबरदस्ती, डोंट ब्रिंग इन सब चीज लेके, ठीक है। तो ये टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के बीच का गोल्डन मीन है ये लोग, ठीक है। हाँ, जाति को कास्ट भी बोलते हैं, सब कास्ट भी बोलते हैं, वर्ण के रूप में भी देखते हैं, फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में भी देखते हैं। जाति को बहुत लोग ऐसे ही लगा लेते हैं क्योंकि उनका कोई सरनेम नहीं हो रहा होता है। जाति इज अ वेरी फंक्शनल टर्म, ठीक है। और हर 2 किलोमीटर, अब जैसे एक जाति जो है उसकी उसके अंदर आएंगे कौन, वो भी बदलते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, माई सरनेम इज बंसल, माई जाति इज बंसल, तो मेरे लिए बंसल कोई और है, बट यहाँ आके पता चला हरियाणा और पानीपत के बंसल कोई और है, ठीक है। तो जाति इज चेंजिंग इट्स मीनिंग, ठीक है, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी। आपको वो लैंग्वेज समझनी है कि वो किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो शब्द का उपयोग। हाँ, यही है, डाल दो, लिख दो, यही लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट जो लिखा है, लिखो लिंग्विस्टिक अप्रोच। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, आपको तो याद है सर, इसी में लिखो लिंग्विस्टिक, जहां मैंने लिखवाया ना ट्राई टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, उसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक अप्रोच। ठीक है, उसको रेड बॉक्स कर लो, लिंग्विस्टिक अप्रोच को। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम, हाँ, उसी में तो लिखा रहा हूँ, न्यू हिस्टोरियन कैम्ब्रिज में तो लिखाया है, ठीक। अब वो तीन चीजें याद हैं आप लोग, अच्छा पढ़ के तो आया नहीं हो, ठीक है। अब स्किनर जो है वो टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच की कुछ प्रॉब्लम्स गिनाता है। क्या गिनाता है, याद है? मिथ ऑफ फाउंडेशन दूसरा, और तीसरा आता है, तीनों समझ में आता है क्या है, ठीक है। लिखो लिखो स्किनर करके लिखो, स्किनर डैश करके लिखना, प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच। स्किनर डैश करके लिखना, प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच। स्किनर क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्किनर, न्यू कैम्ब्रिज हिस्टोरियन, वो टेक्स्टुअलिस्ट भी यूज करेगा कहीं ना कहीं। तो ये कह रहा है कि जब आप टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच यूज करो तो ट्राई टू अवॉइड दीज थ्री प्रॉब्लम्स विच जनरली टेक्स्टुअलिस्ट डू, ठीक है। तो वो टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, ये तीन प्रॉब्लम गिना के, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम, लिखो। पहला, मिथ ऑफ फाउंडेशन। दूसरा लिखो, मिथ ऑफ कोहरेंस। और तीसरा लिखो, मिथ ऑफ प्रोलेप्सिस। मुझे बताओ ये तीनों चीज किसको नहीं समझ में आती है, हाथ उठाओ, कोई नहीं आता। फाउंडेशनलिज्म वर्ड का मीनिंग क्या है, कि कोई एक फाउंडेशनल आइडिया है, ठीक है। मान लो प्लेटो हैज रिटन समथिंग, नाउ थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम ही विल कीप राइटिंग ऑन सिमिलर लाइंस ओनली, he will keep writing or he'll keep giving some basic foundation idea, but is it necessary? bhai uska man nahi ho gaya, pehle wo philosopher king tha, baad mein shaadi ho gayi,
उसको अपनी बीवी पे कुछ लिखना है अगर तो जबरदस्ती उसके वो जस्टिस के आइडिया को मैरिज के आइडिया में लाओगे, नो। ठीक है, सो दिस इज तो अगर आप यू गो फॉर टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन यू एंड अप डूइंग दैट बिकॉज यू लुक ओनली फॉर वेरी फाउंडेशनल आइडिया। दिस इज मिथ ऑफ फाउंडेशन। सेकेंड क्या है, मिथ ऑफ कोहेरेंस, कंटिन्यूटी। ठीक है, कि एक ऑथर ने एक बुक में एक चीज बोल दिया, एक ऑथर ने एक बुक में एक टर्म यूज कर लिया, तो थ्रू आउट ही विल गिव द सेम मीनिंग टू सेम टर्म इन एवरी बुक, नो। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म क्यों आ रहा है, सेकेंड वाला, मिथ ऑफ कोहेरेंस वाला, बिकॉज लियो स्ट्रॉस सेड दैट अगर आपको एक टेक्स्ट नहीं समझ में आता तो सेम ऑथर का दूसरा टेक्स्ट समझ लो। किनर कह रहे हैं कि भाई साहब क्या गारंटी है कि सेम आइडिया मिल जाएगा। आई गेव यू आइडिया ऑफ व्हाट द टर्म रिपब्लिक, एक बुक में रिपब्लिक का कुछ और मीनिंग यूज किया प्लेटो ने, हो सकता है दूसरी बुक में रिपब्लिक का कुछ और मीनिंग यूज करे, तब तुम बोलोगे कि ये पागल है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। ठीक है, तो टेक्स्टलिस्ट की दूसरी प्रॉब्लम है मिथ ऑफ कोहरेंस। ठीक है, कोहरेंट, कोहरेंट से क्या समझते हो, कन्वर्जिंग आइडिया, सिमिलर आइडिया ढूंढना, सेम आइडिया ढूंढना। ठीक है, तीसरा हो गया मिथ ऑफ प्रोलेप्सिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोलेप्सिस, है प्रिजम्पशन करना, प्रिडिक्शन करना। पॉपर ने क्या किया प्लेटो के साथ, कि हाँ कि वो टोटेलिटेरियन है, कोई चीज जो उसके जमाने में हुई नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर एप्पल विथ मैंगोस। ठीक है, बेस्ड ऑन द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, कि भाई रिपब्लिक में जो है स्लेव को फ्रीडम नहीं है, ठीक है, विमेन जो है स्टेट के लिए काम करेंगी, क्या वो क्लोज सोसाइटी हो गई, हाउ हाउ आर यू लिंकिंग द टोटेलिटेरियनिज्म, फासिज्म एंड कम्युनिज्म ऑफ मॉडर्न टाइम्स विथ समथिंग हैपनिंग इन द प्लेटोस टाइम। प्लेटो तो लिख ही रिपब्लिक रहा है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ऑफ एथेंस एंड पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, तो दो चीजों को अननेसेसरी कनेक्ट करना इज मिथ ऑफ प्रोलेप्सिस। किनर कह रहा है यू हैव टू अवॉइड दीज थ्री। ठीक, ये हमारी कंटेक्सुअलिस्ट अप्रोच हो गई, यहाँ समाप्त। ठीक है, मान लो ड्रॉबैक ऑबैक आए तो बता दो टू हिस्टोरिकल, इट्स नॉट मियरली पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एवरी फैक्ट एंड एवरी हिस्ट्री। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कैसे जानोगे, लिंग्विस्टिक का ड्रॉबैक बता सकते हो, भाई एक फिलॉसफी नहीं समझ में आ रही और तुम कह रहे हो लैंग्वेज की हिस्ट्री समझ लो। ठीक है, टर्म्स कैसे वहां से इंटरप्रेटर लाओगे उस जमाने का, हाउ डू यू नो। ठीक है, तो यही सब ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, तो लॉजिकली यू कैन अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक। नाउ कम टू थर्ड अप्रोच, इंटरप्रेटेटिव अप्रोच। ड्रॉबैक लिख लीजिए, ड्रॉबैक लिख लीजिए, पहला ड्रॉबैक लिख लीजिए, सिंस कॉमन सेंसिकल, सिंस इट इज कॉमन सेंसिकल अप्रोच, जो अभी कॉन्टेक्चुअल का पूरा किया ना उसका ड्रॉबैक लिख लीजिए, सिंस इट इज अ कॉमन सेंस अप्रोच, देयरफॉर व्हाट इज द यूज ऑफ स्किल्स इन इंटरप्रिटेशन देन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्किल्स। हमने हर्म्योनॉटिक स्टार्ट कहाँ से किया था, कि स्किल की जरूरत है। अब जब सब कॉमन सेंस है, जब अपनी दवाई आप गूगल से ले सकते हो गूगल करके, तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है फिर। ठीक है, तो जब कॉमन सेंस लगाओगे तो अर्थ का अनर्थ करोगे, फिर बोला कुछ समझोगे कुछ। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक लिख लो, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इज नॉट इजी, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इज नॉट इजी। ठीक है, तीसरा लिख लो, हाँ देखो, लिंग्विस्टिक अप्रोच इज ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल। ठीक अब थर्ड अप्रोच आ जाओ आपकी, इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। ठीक, इसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, लिखो, फूको, फूको एंड डेरिडा, फूको एंड डेरिडा। फूको की स्पेलिंग आती है, एंड सेकंड इज डेरिडा।
ठीक है, तो व्हाई दे आर कमिंग इनटू द पिक्चर, दे हैव प्रॉब्लम, मतलब अभी तक टेक्स्टुअलिस्ट और कॉन्टेक्स्टुअलिस्ट क्या कह रहे हैं आप समझ सकते हो कुछ चीज, यू कैन कॉम्प्रीहेंड रियलिटी, यू कैन कॉम्प्रीहेंड क्लासिक्स, एंड आउट ऑफ दैट कॉम्प्रीहेंशन यू कैन इंटरप्रेट इट एंड कम टू सम सॉल्यूशंस। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सारे ग्रैंड थियरीज हैं, दे आर ओनली ग्रैंड नैरेटिव्स। ठीक है, एवरी रियलिटी इज वॉट इनडिटर्मिनेट, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, आपको हर चीज डीकंस्ट्रक्ट करनी है, एंड वेन यू गो फॉर डीकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ओनली देन यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर ऑलवेज टू प्रोमिनेंट आइडियोलॉजीज इन इन अ सोसाइटी, एक है डोमिनेंट एक है सब ऑल्टर्न। डोमिनेंट जो बता गए आप वही जान रहे हो बस, ठीक है, सब ऑल्टर्न के बारे में क्या हो सकता है, उनका कुछ उनके साथ कुछ और हुआ हो सकता है वो कुछ और लिखना चाह रहे हो, तो एवरी अंडरस्टैंडिंग इज मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो डोंट कीप द क्लासिक्स टू दिस पेडेस्टल कि वो जो बोल रहे हैं वो हमेशा ही सब सही है। ठीक है, हो सकता है बहुत सी चीजें गलत हो, लाइक स्लेवरी, ठीक है, इट्स बीइंग डिफेंडेड बोथ इन रिपब्लिक एंड ये आपके एरिस्टोटल के भी पॉलिटिक्स में, ठीक है, कैन यू डिफेंड स्लेवरी नाउ? नो। अगर आप रिपब्लिक को सब ऑल्टर्न से अगर इंटरप्रेट करने की डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते देन यू वुड हैव गॉट टू नो कि भाई ये कितना गलत बनाया है इसने रिपब्लिक। ठीक है, दिस रिपब्लिक इज बेस्ड ऑन व्हाट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स विमेन, यूजेनिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं डीकंस्ट्रक्ट एवरीथिंग। ठीक है, गो फॉर डबल रीडिंग। ठीक, क्या लिखा है मैंने, डेरिडा एंड फूको, इसमें लिखो अकॉर्ड, ऐसे पॉइंट्स में लिखो, लिखो वर्ल्ड इज इनकोहरेंट कॉमा इनकॉम्प्रिहेंसिबल ठीक है, इसका मीनिंग क्या है डैश करके लिखो, देयरफोर देयर आर इनफाइनाइट इंटरप्रिटेशंस, देयरफोर देयर आर इनफाइनाइट इंटरप्रिटेशन। ठीक, और जहां मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था ना इंटरप्रिटेटिव, वहां बॉक्स में लिखो पोस्ट मॉडर्निस्ट प्लस पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, इसी में जो स्टार्ट करवाया था ना इंटरप्रिटेटिव अप्रोच फूको डेरिडा, उसी में बगल में लिखो क्या है ये दोनों, पोस्ट मॉडर्निस्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्या है बताओ? एंड व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि लैंग्वेज साइंटिफिक होती है। तो न्यू कैम्ब्रिज वाले क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज साइंटिफिक है। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कह रहे हैं भाई लैंग्वेज भी साइंटिफिक नहीं है, क्यों? क्योंकि आदमी को पता ही नहीं है वो बोलना क्या चाहता है, सोचना क्या चाहता है, लिखना क्या चाहता है। लैंग्वेज इज अगेन वॉट, इनकम्प्लीट प्रोसेस। लैंग्वेज में क्या दिखता है, पावर रिलेशनशिप दिखती है, जो डोमिनेंट होता है वो बताता है ये मीनिंग है और आप मान लेते हो। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेज लैंग्वेज इज नॉट साइंटिफिक। ठीक है, देर आर लिमिटेशन इन द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज ही लिमिटेड है तो हाउ कैन यू इंटरप्रेट, हाउ कैन यू से ऑथर वॉन्टेड टू से सच सच थिंग इन अ सच सच मैनर। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म में डैश करके लिख लो नो अल्टीमेट ट्रुथ, ठीक है, एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डैश करके लिखो लैंग्वेज इज नॉट साइंटिफिक। ठीक, और वहीं से देखो फिर आगे का आ गया आपका, सिंस एवरीथिंग इज अनसाइंटिफिक हाउ कैन यू कॉम्प्रिहेंड रियलिटी, इट्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, इनका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं, हाउ टू इंटरप्रेट देन, देखो हाउ टू इंटरप्रेट देन, देखो डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब डीकंस्ट्रक्शन क्या, डबल रीडिंग, डैश करके लिखो डबल रीडिंग,
डबल रीडिंग, ठीक है। डबल रीडिंग से के में दो एरो बनाओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल रीडिंग? ठीक है, पहला लिखो डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग या प्रीवेलेंट अंडरस्टैंडिंग, डोमिनेंट या प्रीवेलेंट अंडरस्टैंडिंग जो चल रहा है समाज में, ठीक। दूसरी क्या हो गई? अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब नॉन डोमिनेंट, मतलब सब अल्टर्न अंडरस्टैंडिंग, ऑल्टरनेट नॉन डोमिनेंट सब ऑल्टर्न, ठीक। तो ये तीन हो गई। अब इसका कॉन्क्लूजन लिखो, कॉन्क्लूजन क्या बताया था मैंने? कॉन्क्लूजन किस में लिख लो, मतलब याद है क्या लिखोगे? लिख लो एवरी अंडरस्टैंडिंग इज मिसअंडरस्टैंडिंग, डाल दो स्टेटमेंट, एवरी अंडरस्टैंडिंग इज मिसअंडरस्टैंडिंग। एक स्टेटमेंट ये लिख लो, दूसरा स्टेटमेंट लिख लो ऑल इंटरप्रिटेशंस आर इनडिटर्मिनेट, ऑल इंटरप्रिटेशंस आर इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट की मीनिंग पता है? फाइनल नहीं होती, ठीक है, डिटरमाइंड नहीं होती, ठीक है। एक और लिख लो, नो मीनिंग इज फाइनल, नो मीनिंग इज फाइनल, नो मीनिंग इज फाइनल, ठीक। अब कॉन्क्लूजन में किसका नाम बताया था मैंने? टेरेंस बॉल। देखो कॉन्क्लूजन टेरेंस बॉल, इनकी बुक का नाम लिखो हिस्ट्री एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, इनके वर्क का नाम लिखो हिस्ट्री एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। और इनका एक स्टेटमेंट लिख लो, आई थिंक ये ओरिजिनली नोट्स में नहीं होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो इन्वर्टेड कॉमास में, लिखो इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ट्राइंगुलेट्स, इंटरप्रिटेशन ट्राइंगुलेट्स बिटवीन, बिटवीन टेक्स्ट एंड एंड टू और मोर इंटरप्रिटेशंस, बिटवीन टेक्स्ट एंड टू और मोर इंटरप्रिटेशन। समझ में आया इसका मीनिंग? ट्राइंगुलेट क्या होता है? जीपीएस कैसे काम करता है? ट्राइंगुलेशन से, अरे तुम्हारी दो तीन जगह की लोकेशन मिला के फिर बताता है ऐसे ऊपर से सैटेलाइट से कि यहाँ हो, ठीक है। ऐसे समझ लो ना ट्राइंगुलेशन, यहाँ पे टेक्स्ट है एक, उसका ये इंटरप्रिटेशन है, एक उसका ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो ये तीनों को मिला जुला के जो खिचड़ी पकती है वो इंटरप्रिटेशन होता है, टेरेंस बॉल ये कह रहा है, ठीक है। तो लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू टेरेंस बॉल इंटरप्रिटेशन शुड बी पॉलिसी ड्रिवन, इंटरप्रिटेशन शुड बी पॉलिसी ड्रिवन, ठीक है। डैश करके लिखो इसका मीनिंग क्या है। इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, जो सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करो। ये बना लो चाहे तो ट्राइंगुलेशन वाला डायग्राम, ठीक है, इजी होगा आपको।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। ठीक, और इसमें ही गिव्स बेसिकली एट अप्रोचेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो लिख लो। ठीक है, ही गिव्स एट अप्रोचेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, बस नाम याद रखो, आया याद तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ देने का। ठीक, लिखो एट अप्रोचेस जो उसने बताई है। मार्क्सिस्ट, पहली है मार्क्सिस्ट, सेकेंड इज टोटेलिटेरियन, थर्ड इज वॉट, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, फोर्थ इज फेमिनिस्ट, फिफ्थ इज स्ट्रॉसियन, लियो स्ट्रॉस वाला, स्ट्रॉसियन, नेक्स्ट इज कैम्ब्रिज, एंड उसके बाद है पोस्ट मॉडर्निस्ट, एंड एट्थ है जो उसकी खुद की अप्रोच है, प्लूरलिस्टिक एंड प्रॉब्लम ड्रिवन, प्लूरलिस्टिक एंड प्रॉब्लम ड्रिवन। ठीक, ये हो गया। अब 5 मिनट शांति से देखो क्या खिचड़ी पकाई है, देखो पहले समझो। हमको सब यहाँ याद करके जाना है, यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। नजर से घुमाओ पूरा 5 मिनट जो भी किया है। हो जाएगी, हो जाएगी, तो उसका ड्रॉबैक में डाल देना, अपने अपने करेंगे। और फिर इससे क्या होता है, फेटलिज्म नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं तुम हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लो, तो पढ़ने ही क्यों जा रहे हो, मत पढ़ो, फिर मीनिंग ही नहीं रहेगी फिर। कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, हमारे ऊपर है, वो नहीं बता रहे वो क्लियरली। वो टेक्स से करनी है टेक्स से कर लो, कॉन्टेक्स्ट से करनी है कॉन्टेक्स्ट से कर लो, इंटरप्रिटेटिव करनी है तो डोमिनेंट की भी फिर डबल रीडिंग कर सकते हो। आई थिंक तीनों है, टेक्स्टलिस्ट भी है, कंटेक्स्टलिस्ट तो है ही है, और डीकंस्ट्रक्शन भी है, तभी देखो उसके क्रिटिक्स आते हैं, डिफेंडर्स आते हैं, लेविंसन आ जाता है, टोनेवी आ जाता है जो डिफेंड कर रहा होता है, क्रिटिक है ही है, पॉपर वॉपर है ना, आरेंट सारी है ही है, तो कॉन्टेक्चुअली तो क्रिटिक्स क्रिटिसाइज कर रही है। हाँ अलग है, अरे वो कंफ्यूजन है, देखो इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज में कुछ गलत नहीं हो। तो ये कितने पन्नों का था ये आपकी कॉपी में, ओरिजिनल में अभी कितना का हो गया? ऐसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब ये जाओगे तो समझ में भी आएगा, हैं? ज्यादा मजा मत लो। ठीक है, सो दिस इज द एक्सरसाइज वी विल बी डूइंग हियर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में? आया था आई थिंक इस बार की टेस्ट सीरीज में है कोई क्वेश्चन, आई डोंट नो, टेस्ट सीरीज में है तो आप लोग का होमवर्क है, जो लोग टेस्ट सीरीज वाले हैं वो क्वेश्चन ढूंढो और लिख के लाना। ठीक है, आई डोंट हैव क्वेश्चन, मतलब शेयर कर लेना आप लोग। अब आ जाओ प्लेटो में, देखते हैं आज कितना हो रहा है। या प्लेटो से पहले थोड़ा सा वो कर लो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डाल लो एक बार। हाँ जी, बिहेवियरिज्म वाज अ मूवमेंट
ड्यूरिंग 1970s इन अमेरिका मोस्टली, वेयर दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी कुड नॉट कम अप विद द सॉल्यूशंस और कुड नॉट प्रिडिक्ट समथिंग. जैसे हमारे राइट्स हो रहे थे, लिबरेशन मूवमेंट हो रहे थे, ब्लैक मूवमेंट हो रहे थे, वो सब चीजें वो बता नहीं पा रही थी फिलोसफी या पॉलिटिक्स जो चल रही थी. ठीक है, तो दे ट्राइड टू ब्रिंग इन द मेथड्स ऑफ साइंस. अब साइंस क्या होती है? प्रिडिक्शन पे बेस्ड होती है, ऐसा होगा तो वैसा होगा. व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग इन द मेथड्स ऑफ साइंस इनटू नॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिक्स, तो इसका नेचर ही चेंज हो जाता है. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग इट्स अ क्राइसिस ऑफ फिलोसफी. या फिलोसफी कोई पढ़ता ही नहीं है. ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी पोस्ट बिहेवियरिस्ट आ जाएंगे जो फिलोसफी भी दोबारा लेके आएंगे. ठीक, चलो WPT लिख लो एक बार. ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ WPT, WPT एंड इवोल्यूशन ऑफ WPT. आज इतना ही करते हैं, प्लेटो नहीं लग रहा आज हो पाएगा. है? हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो. सोचो तो प्लेटो करने में तुम लोग कितने 1.5 महीना लगे थे, 1.5 महीना. वो मोस्टली नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में प्लेटो हो जाएगा पूरा. आई कुड हैव गिवेन यू अ हैंड आउट बट आप लोग नहीं करते. दैट वुड हैव बीन जस्ट अनदर नोट. अभी ये भेजे में गया है सोच सोच के, तो ये याद रहेगा. ठीक है, सोते सोते भी याद रहेगा. ठीक है, नाउ WPT जब हम समझते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंड आई हैव नॉट डेल्ट विथ डिफरेंस बिटवीन थियरी थॉट एंड वो सब. वो ऐसे ही समझ नहीं आता है, वो मिला जुला है, वो हम कभी लास्ट में लिखवा देंगे उसको ढंग से. ठीक है, वेन वी आर सेइंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में? एक टर्म है जो बार बार यूज करते हो, क्या आता है? भाई बहुत बार यूज कर चुके हम, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन. आता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन? कौन बोलता है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में? भीखु पारेख बोलता है. क्यों बोलता है? जब वो इंडियन से कंपेयर कर रहा होता है. इंडियन क्या, इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है? डायडेक्टिक है. तब कुछ भी याद नहीं है. चलो लिखो, WPT लिखा. एरो बना के लिखो, एरो बना के लिखो. भीखू पारेख, भीखू पारेख. ठीक है, भीखू पारेख के बाद ऐसे दो ब्रांचेस बनाओ. यहां लिखो WPT, यहां पे लिखो IPT, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. ठीक, यहां पे बनाओ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन. ठीक, इंटेलेक्चुअल पे गोला डालो. क्या है इंटेलेक्चुअल से क्या समझते हो? हैं, क्वेश्चनिंग नेचर. और क्या समझते हो? और अच्छा वर्ड क्या आएगा? डायलेक्टिक्स है. और अच्छा वर्ड एक और, इलंकस. तीन टर्म है, तीन चार टर्म है यूज होते हैं. इलंकस पता है? नहीं पता है? एक तो मैम भी ना इस बैच में कुछ और बता पढ़ा देती है, किस बैच में कुछ और हो जाता है कम ज्यादा. डायलेक्टिक्स है, लिखो डायलेक्टिक्स लिख लो. है? नहीं, इंटेलेक्चुअल मतलब एरो बना के लिखो. क्वेश्चनिंग पहले लिखो, क्वेश्चनिंग. दूसरा लिखो क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट. तीसरा लिखो डायलेक्टिक्स. ठीक, डायलेक्टिक्स. ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल से समझ आया. अब ट्रेडिशन क्यों है? कंटिन्यूटी है. दूसरी चीज, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो पूरे ट्रेडिशन को?
ट्रेडिशन लिखो, पहले लिखो कंटिन्यूटी, टाइम इमेमोरियल चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, टाइम इमेमोरियल जमानों से चला आ रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। फिर टाइम इमेमोरियल है तो फिर ब्रैकेट में क्लासिक्स नहीं लिख सकते हो, लिखो क्लासिक्स, भाई टाइम इमेमोरियल है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू क्लासिक्स टू अंडरस्टैंड दैट। आज का लिखा होता तो अर्णब गोस्वामी सुन रहे होते आप लोग, ठीक है। तो लेकिन पुराना है इसलिए तो प्लेटो पे गए आप लोग, ठीक। अब उसी में एरो बना के लिखो जहां आपने लिखा है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को डिवाइड करो फिर से, प्री सोक्रेटिक एंड सोक्रेटिक, प्री सोक्रेटिक एंड सोक्रेटिक, ठीक। छोड़ दो अभी इसको, ये पहला हो गया हमारा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल आईपीटी में क्या लिखोगे, क्या बताया मैंने, ये अगर इंटेलेक्चुअल है तो आईपीटी क्या है, डाइडेक्टिक, डी आई डी ए सी टी आई सी, डाइडेक्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय डाइडेक्टिक, प्रीची लिखो डैश करके, प्रीची या नॉन क्वेश्चनिंग या नॉन क्रिटिकल, या स्टैटिक भी कह सकते हो, जो बोल दिया वो मान लिया, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक ये हो गया। अब वापस से डब्ल्यूपीटी में आओ। नाउ सिंस इट इज एन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, डू यू थिंक कि वो लोग रिलीजन और ये सब मानेंगे बहुत ज्यादा, नहीं। तो नेचर क्या होगा डब्ल्यूपीटी का, सेकुलर लिखो, सेकुलर डब्ल्यूपीटी में लिखो, सेकुलर नेचर, सेकुलर नेचर। समझ में आया क्यों सेकुलर, यू क्वेश्चन अथॉरिटी, ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हाउ टू एंगेज योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। यू आर नॉट इमेजिनिंग गॉड फॉर एवरी सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। सेक्युलर से तीसरा टर्म क्या रिलेट कर सकते हो, फिर डैश करके लिखो, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म, ठीक। अब आईपीटी में आ जाओ, सेक्युलर का, हाँ ह्यूमनिज्म का रैशनलिज्म भी लिख दो, ह्यूमनिज्म के बगल में डैश करके रैशनलिज्म भी लिख दो, ठीक है। अब आईपीटी में आओ, आईपीटी क्या है, स्पिरिचुअल, कलेक्टिव, कलेक्टिव या कलेक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो, ठीक है। फैमिली है, किंग है, किंग को ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ठीक है। इज इट टॉकिंग अबाउट कि इंडिविजुअल की लाइफ क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ड्यूटीज ज्यादा बता रहा है, कह सकते हो, कह सकते हो, हाँ दैट्स अ बेटर वर्ड, इन राइट कम्युनिटी, ठीक। दोनों की कॉमनैलिटी क्या हो सकती है, वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट में कॉमनैलिटी क्या हो सकती है, कंटिन्यूटी एंड चेंज, बट आई एम ट्राइंग टू गेट सम वेरी स्पेसिफिक टर्म, जो एंशियंट है, जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट है, जो ग्रीक थॉट है, और जो हम मनुस्मृति या कौटिल्या या अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो दोनों में कॉमनैलिटी क्या है, एक है बोथ बेस्ड ऑन नेचुरल लॉस, धर्म, स्टेबिलिटी, कॉस्मिक लॉ, ठीक है, सोसाइटी को कैसे स्टेबलाइज करना है, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंस कर रहे थे, अब उसमें ऐसे एरो बना के लिखो, कॉमनैलिटी, कॉमनैलिटी, और उसमें एरो बना के लिखना बोथ
बोथ बेस्ड ऑन कॉस्मिक और नेचुरल लॉ, कॉस्मिक और नेचुरल लॉ, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिख लिखो ब्रैकेट में स्टेबिलिटी बैलेंस ऑर्डर, स्टेबिलिटी बैलेंस ऑर्डर, ठीक। अब देखो मैंने ट्रेडिशन में लिखवाया था एक प्री सोक्रेटिक और सोक्रेटिक, जगह है वहां पे, छोड़ी है? नहीं छोड़ी है तो फिर से वो बना लो ट्रेडिशन, प्री सोक्रेटिक सोक्रेटिक। अब सोक्रेट से पहले जो है फिलॉसफी कैसी चल रही थी, नेचुरलिस्ट थे? नहीं, अभी हम सोफिस्ट तो कंटेम्प्रेरी थे ना सोक्रेटिक के, नेचुरलिस्ट जो थे वो क्या जानना चाहते थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, एयर से बना है, वाटर से बना है, इससे बना है, उससे बना है, ठीक है। देवर ट्राइंग टू डीमिस्टिफाई वॉट्स गोइंग ऑन इन यूनिवर्स, ठीक है। तो वो प्री सोक्रेटिक थॉट है, ठीक है। देवर फिजिसिस्ट कह सकते हो उनको, जो भी है चांद तारे समझ रहे थे वो, ठीक है। सोक्रेटिक ट्रेडिशन जब स्टार्ट होगा दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गुड लाइफ, ठीक है, हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर। सोफिस्ट भी यही कर रहे हैं, अगर स्टेटमेंट आता है सोक्रेट्स वॉज द ग्रेटेस्ट सोफिस्ट, आ सकता है क्वेश्चन। सोचा है कभी कि सोक्रेट खुद सोफिस्ट था, कभी ऐसा दिमाग नहीं लगाया? अरे क्योंकि दोनों कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के, ठीक है। दे बोथ बिलीव वॉट दैट गुड लाइफ चाहिए, ठीक है, दोनों बिलीव इन वर्च्यू एक्सलेंस, हाँ, लेकिन वो एक्सलेंस का यूज क्या होगा एंड व्हाट इज एक्सलेंस, उसमें डिफर करते हैं दोनों। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सोक्रेट वॉज द ग्रेटेस्ट सोफिस्ट, तो उसको डिबेट फॉर्म में लिखना है हमको, कॉमनैलिटी भी दिखानी है और डिससिमिलैरिटीज भी दिखानी है आपको, ठीक है। ऐसे आ सकता है कभी भी, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल नाउ, ठीक है। तो प्री सोक्रेटिक में आप डालो, पहले प्री सोक्रेटिक लिखा, वहां पे लिखो नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट, ठीक है, डैश करके लिखो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, डैश करके लिखो। कैसे कैसे जान रहे हैं प्रॉपर्टीज, बाय अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में डैश करके लिखो एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, क्या है एलिमेंट्स, क्या बता रहे हैं, कोई कह रहा है पानी है, कोई कह रहा है आग है, ठीक है। इंडियन थिंकिंग भी ऐसी थी पहले, पांच तत्वों की बात की जाती है ये सब, तो डोंट यू थिंक प्री सेक्रेट सोक्रेटिक थॉट को भी आप, जो अभी मैंने ऊपर सिमिलैरिटी कॉमनैलिटी बताई कॉस्मिक नेचुरल लॉ, वहां पे भी एक सिमिलैरिटी ये ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या लिखा है एलिमेंट्स, क्या लिखो एलिमेंट्स में, लिख लो एयर वाटर फायर, एयर वाटर फायर, ठीक। अब नेचुरलिस्ट में प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट कौन से याद आते हैं आपको, परमनाइडिस है, हिराक्लिटस है, इवन पाइथागोरस, ठीक है। अब तीनों के नाम लिखो, सबसे पहले लिखो हिराक्लिटस, इतनी जोर से नहीं सोना है, इतनी बोरिंग तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। हिराक्लिटस, हिराक्लिटस क्या कहता है, है? क्या आपका कुछ डाउट है? हाँ, वो आगे कह सकते हो, लिख सकते हो, आगे ऐड कर देना, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्या है, हाँ
हिराक्लिटस क्या डैश करके लिखो, टाइम स्पेस कॉन्सेप्ट, टाइम स्पेस कॉन्सेप्ट मतलब एवरीथिंग इज चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, स्पेस इज चेंजिंग, ठीक है, टाइम स्पेस कॉन्सेप्ट हिराक्लिटस। इसका स्टेटमेंट क्या है सबसे प्रोमिनेंट, यू कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस, लिखो एरो डाल के, यू कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस, ठीक, ये ऐसे भी आ गया था, ठीक। मतलब अगर हम कह रहे हैं यू कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस, मतलब एवरीथिंग इज चेंजिंग, चेंजिंग का नोशन क्या होता है, बिकमिंग का नोशन, बीइंग और बिकमिंग में डिफरेंस याद है, बीइंग क्या होता है, मैं क्या हूं, गॉड क्या है, बीइंग है, वाई, बिकॉज गॉड डज नॉट चेंज। एरिस्टोटल क्या कहता है, गॉड इज अनमूव्ड मूवर, गॉड चेंज नहीं होता, गॉड का आइडिया चेंज नहीं होता। प्लेटो की पूरी थियरी कहां पे बेस्ड है, गॉड के वर्ल्ड में कैसा सोल है, बेस्ट सोल है, रीजनेबल सोल है, दैट वोंट चेंज, ठीक है। तो इसमें डैश करके लिखो बिकमिंग, बिकमिंग BEGOMING, बिकमिंग BECOMING, बिकमिंग BECOMING, समझ में आता है बिकमिंग। ब्रैकेट में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखियो योर बॉडी चेंजेस, मैन चेंजेस, ठीक। अब सेकेंड आ जाओ, परमानाइडिस, परमानाइडिस, क्या बोल रहा है परमानाइडिस, परमानेंस, ठीक है। लाइफ में कुछ चीजें परमानेंट भी होती हैं, चेंज इज ओनली परमानेंट बोलता है वो, नहीं क्या बोलता है, ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज, ठीक है, लिखो ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज, ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज, ठीक। मतलब ब्रैकेट में लिखो आइडिया ऑफ परमानेंस, आइडिया ऑफ परमानेंस मतलब कुछ चीजें परमानेंट भी रह जाती हैं, ठीक है, भले वो चेंज ही क्यों ना हो, ठीक है, आइडिया ऑफ परमानेंस। डैश करके लिखो बीइंग, BEING, बीइंग मतलब समथिंग विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बीइंग समथिंग विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। डैश करके लिखो आइडिया ऑफ गॉड, नेक्स्ट नेचुरलिस्ट किसको ला सकते हो, पाइथागोरस, लिखो पाइथागोरस, पाइथागोरस कौन से आइडिया से इन्फ्लुएंस है, सोल एंड हाउ टू अंडरस्टैंड सोल, पाइथागोरस थ्योरम याद है मैथ्स, ठीक है, तो क्या कह रहा है, मैथ्स और लॉजिक से समझ सकते हो सोल को, ठीक है। तो पाइथागोरस के आगे लिखो सोल, ठीक है। अब सोल को अंडरस्टैंड कहां से करोगे, लॉजिक, ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपने बेंथम में कभी पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री इज व्हाट, वेरी रैशनल एक्सरसाइज, ठीक है, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री में आप एब्स्ट्रैक्शन करते हो, आप कुछ चीजें इमेजिन करते हो, ठीक है, ट्रायंगल को बोल के नहीं बता सकते, बना के बता सकते हो, ठीक है, यू आर ट्राई टू इमेजिनिंग वैसा ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल। सो व्हाट इज सोक्रेटिक फिलोसफी ऑल अबाउट, इमेजिनेशन। सोल तो देख नहीं सकते, गॉड का वर्ल्ड देख नहीं सकते, थ्योरी ऑफ आइडिया समझना है तो पढ़ नहीं सकते, सेंसरी ऑर्गन्स से नहीं समझ सकते, रैशनलिज्म से समझ सकते हो।
तो मैथमेटिक्स लॉजिक और फिलॉसफी को साथ लाने वाला कौन है? पाइथागोरस। ठीक है, तो सोक्रेट पे किसका बहुत इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा? सबका दिखेगा इवेंचुअली, बट पाइथागोरस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा, बिकॉज जो रैशनलिज्म आ रहा है, लॉजिक आ रहा है, चीजों को, इमेजिनरी चीजों को, सोल को समझने का जो तरीका आ रहा है, वो मैथ से आ रहा है, वो पाइथागोरस से आ रहा है। ठीक, लॉजिक बेसिकली, डैश करके लिख लो लॉजिक। ठीक, तो ये प्री सोक्रेटिक आपका खत्म हुआ। ठीक, मान लो एक क्वेश्चन आता है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, एवरीथिंग प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, एवरीथिंग प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, तो उससे मान लोगे उसकी बात को? मतलब उसका अगर इफ आई से एवरीथिंग प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, तो विल यू सपोर्ट इट और अपोज इट? अरे मैं गलत भी तो हो सकता हूं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, आई डोंट नो, यू टेल मी। दोनों चीजें बताओगे ना, बहुत चीज सोक्रेटिक भी है, बट उससे आगे जा करके बहुत चीज खुद की भी डाली है। ठीक है, तो प्लेटो में भी कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स ये वाले दिख रहे हैं आपको, नेचुरलिस्ट के, सोल वोल नहीं दिख रहा है? तो इज ही गोइंग बियॉन्ड सोक्रेट? यस। ठीक है, मैंने पाइथागोरस का जो सोल लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिखो मेटाफिजिक्स, ब्रैकेट में लिखो मेटाफिजिक्स, थ्योरी ऑफ सोल। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? एनीथिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन वर्ल्ड। ठीक है, मेटाफिजिक्स। कांट का टर्म याद आया, फिनोमिना एंड नॉमिना? व्हाट इज नॉमिना? मेटाफिजिक्स नहीं हो गई? हो गई। अब अगली बार जब कांट पढ़ोगे तो लिंक कर लोगे? अभी यहां मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा आगे, अभी कहीं पे अभी छोड़ दो मेटाफिजिक्स। ठीक है, नाउ कम टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन। अब सोक्रेटिक ट्रेडिशन में देयर आर टू पीपल या टू स्कूल्स ऑफ थॉट, एरो बनाओ सोक्रेटिक ट्रेडिशन में। पहला कौन है? सोफिस्ट। ठीक है, कॉम्पिटिटर थे उसके, लेकिन थे तो उसी के समय के, कंटेम्प्रेरी ऑफ सोक्रेटिस। दूसरे में लिखो सोक्रेटिस। ठीक, अब दोनों का कॉन्टेक्स्ट लिखो पहले, इसमें ऐसे कॉमन कॉन्टेक्स्ट है दोनों का। ठीक, लिखो ऐसे, एक बाउल बना दो, कॉन्टेक्स्ट लिखो। नेचुरलिस्ट अभी तक क्या कर रहे हैं? दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स एंड ऑल, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो सोफिस्ट और सोक्रेटिक दोनों का कॉन्टेक्स्ट क्या है? या दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक ह्यूमन लाइफ बेटर। ठीक है, हाउ टू अचीव गुड लाइफ, हाउ टू अचीव एक्सलेंस, ये सब बातें कर रहे हैं। क्यों क्यों? मैन हैज रीजन। रीजन हमारे पास है, जानवरों के पास है रीजन? नहीं है। ओनली सिंस मैन हैज रीजन, मैन वुड ऑल्सो लाइक नो समथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड हिम, नॉट जस्ट वॉट इज हैपनिंग इन यूनिवर्स, नॉट जस्ट द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स। मैन वुड लाइक टू नो वॉट आर द एलिमेंट्स इन साइड मी, हाउ कैन आई स्ट्रक्चर माई एलिमेंट्स, माई सोल, माई माइंड टू लीड अ बेटर लाइफ। ठीक है, ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट यही है। ठीक है, लिखो कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट लिखो, सर्च फॉर गुड लाइफ। सर्च फॉर गुड लाइफ। ठीक है, डैश करके लिखो एथिक्स। एथिक्स भी यही है। एथिक्स क्या बताता है? राइट रॉन्ग, बट राइट रॉन्ग क्यों जानना है? ताकि लाइफ अच्छी हो, पीस आए आपकी लाइफ में। ठीक है, डैश
डैश करके लिखो एथिक्स. व्हाट डू मीन बाय एथिक्स? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग लिखो. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. क्वेश्चन मार्क लगाओ. व्हाई? व्हाई? आदमी को क्यों राइट रॉन्ग जानना है? गुड लाइफ तो एरो डाल ही दो उधर उधर, जो भी है दिखाया ना मैंने गुड लाइफ. बट लिखो व्हाई. बिकॉज ओनली मैन कुड डू सो. बिकॉज ओनली मैन कुड डू सो. व्हाई? डैश करके लिखो. बिकॉज मैन हैज रीजन. ठीक है. अब रीजन है तो रीजन को समझोगे कैसे? लॉजिक ब्रैकेट में लिखो लॉजिक. और अगर हम कह रहे हैं मैन हैज रीजन, आर एंड पी टॉकिंग अबाउट ह्यूमनिज्म? लिखो ह्यूमनिज्म. मैन हैज रीजन जहां लिखा है में ब्रैकेट में लिखो ह्यूमनिज्म. मैन हैज रीजन. मैन कैन सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स. गॉड के पास जाना ही नहीं आपको. तो आप लोग पढ़ के आओ नेक्स्ट टाइम से. ठीक है. अब सोफिस्ट में आओ. आज देखते हैं कितना होता है. पहले समझो सोफिस्ट. जैसे ही दिमाग में सुना नाम, वॉट ऑल टर्म्स कम टू योर माइंड? पावर. ठीक है. मटेरियलिस्ट और बताओ. इंडिविजुअलिस्ट और बताओ. रियलिस्ट और है रिलेटिविज्म. हाँ और बताओ. हाँ मैन इज प्रायर टू स्टेट. ठीक है. और रेटरिक्स और हो गया. करप्शन. फर्स्ट टीचर सबसे पहले ध्यान नहीं आया आपको? एथेंस या उस समय उस जमाने के सबसे प्रथम शिक्षक वही थे, फर्स्ट टीचर. ठीक है. और बहुत सारे टर्म्स बता सकते हो. निहिलिज्म, हेडोनिज्म कह सकते हो. हाँ हेडोनिज्म. और क्या? डू दे से दैट नॉलेज इज इनफाइनाइट? नो. दे से नॉलेज हैज लिमिटेशन. ठीक है. मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरी नॉलेज. ठीक है. उनके लिए प्लेंस क्या है? प्लेजर. कमिंग फ्रॉम व्हाट? मनी एंड पावर. दैट्स व्हाई दे टीच व्हाट? रेटरिक्स. ठीक है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर देम? पॉलिटिक्स. ठीक है. पॉलिटिक्स का फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट पावर. ठीक है. तो उनका एथिक्स क्या है? माइट इज राइट. देयर एथिक्स इज अल्टीमेटली पावर. ठीक है. तो जैसे ही सोफिस्ट आया, ये सब चीजें आ गई दिमाग में. लिखो सोफिस्ट के नीचे ऐसे डैश बना के अंडरलाइन करके. देखो फर्स्ट टीचर्स. फर्स्ट टीचर फर्स्ट टीचर. ठीक है. दूसरा पॉइंट लिखो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशलिज्म? ठीक है. लिखो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट. थर्ड लिखो निहिलिज्म. डू यू अंडरस्टैंड निहिलिज्म? देखो सोफिस्ट में भी ट्रेडिशन है. कुछ है रिलेटिव, एथिकल रिलेटिव. वो कहते हैं कि हर बंदे की वैल्यू या हर बंदे के डिसीजंस सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं. तो यू कैन नॉट से दिस इज परफेक्ट, दिस इज इम्परफेक्ट. निहिलिस्ट ऑन द अदर हैंड से कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती. ठीक है. सब चीज खत्म होने वाली है. ठीक है. तो
मतलब कोई जो रिलेटिव है वो कहते हैं ये डिसीजन रिलेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू दिस डिसीजन, एंड दैट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिसीजन टू डिसीजन. एटलीस्ट दे आर बिलीविंग कि भाई कुछ तो वैल्यूज हैं, कुछ तो डिसीजन लिया जा सकते हैं. ऑन द एक्सट्रीम हैंड निहिलिस्ट कहते हैं जो मन में आया करो, कोई परफेक्ट राइट नहीं होता, कोई परफेक्ट रॉन्ग नहीं हो सकता. ठीक है, तो जो थ्रेसी मैकेस है, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस करेंगे, अगर वो ये कह रहा है, रेडिकल नोशन ऑफ जस्टिस कह रहा है एंड माइट इज राइट कह रहा है, तो अल्टीमेटली वो यही कह रहा है कि देयर कैन बी नो यूनिवर्सल ऑफ नोशन नोशन ऑफ जस्टिस, देयर कैन बी नो नोशन ऑफ जस्टिस एट ऑल. ठीक है, तो आपको सोफिस्ट में ही एक्सट्रीम्स भी मिलेंगे, थोड़े कम सोफिस्ट भी मिलेंगे, उससे भी कम सोफिस्ट मिलेंगे. तो सोफिज्म में निहिलिज्म भी आ रहा है और एथिकल रिलेटिविज्म भी आ रहा है. ठीक है, बट दे बोथ आर डिफरेंट. ये मत समझ लेना कि सोफिस्ट या तो सिर्फ निहिलिस्ट हो सकते हैं या रिलेटिविस्ट, दोनों हो सकते हैं. ठीक है, क्या लिखा है हमने? निहिलिज्म, NIHILISM, निहिलिज्म. ठीक, NIHILISM, निहिलिज्म. अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो. नो वैल्यू नो डिसीजन, नो वैल्यू डैश नो डिसीजंस डैश एवरीथिंग विल एंड, एवरीथिंग विल एंड. ठीक है, नेक्स्ट लिखाओ क्या है? एथिकल रिलेटिविज्म, एथिकल रिलेटिविज्म. ठीक है, ये समझ में आता है क्या है? डैश करके लिखो. एथिक्स इज रिलेटिव, एथिक्स इज रिलेटिव. मतलब डैश करके लिखो, डिसीजंस एंड वैल्यूज, डिसीजंस एंड वैल्यूज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना, वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना. ठीक, समझ में आ गया? फिनोमिना, वर्ल्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. ठीक है, दे आर कंसर्न ओनली विद दैट. लिखो डैश करके, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, दे आर ओनली कंसर्न विद दैट. इससे नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? मटेरियलिस्ट हो गए ये लोग. लिखो मटेरियलिस्ट. मटेरियलिस्ट, ठीक है, मटेरियलिस्ट हैं अगर तो किसको प्रमोट करेंगे? डैश करके लिखो, मनी पावर, मनी पावर. ठीक है, डैश करके लिखो, पॉलिटिक्स इज मीन्स टू अचीव दैट, पॉलिटिक्स इज अ मीन्स टू अचीव दैट. ठीक, डैश करके लिखो, हाउ, हाउ. ठीक एरो बना के लिखो, बाय इंक्रीजिंग योर पावर, पावर इंक्रीज करो, एरो बनाओ पावर के ऊपर, बाय इंक्रीजिंग योर पावर. और पॉलिटिक्स में जाते कैसे हैं? रेटरिक से. लिखो रेटरिक, रेटरिक. ठीक है, नेक्स्ट सोफिस्ट क्या बोलते हैं? देर इज लिमिट टू नॉलेज, मैन कैन नॉट नो एवरीथिंग, देर इज नॉट इवन रिक्वायरमेंट टू नो एवरीथिंग. क्यों? सब चीज रिलेटिव है. मेरे लिए जो अच्छा है तुम्हारे लिए नहीं है, तो मुझे जानना ही क्यों कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है. ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट इनका, लिमिट टू नॉलेज, लिमिट टू नॉलेज, देयर इज लिमिट टू नॉलेज. ठीक है, इसलिए भी ये किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ फिनोमिना की बात कर रहे हैं, इसी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इनको जानना ही नहीं गॉड के वर्ल्ड में वो क्या रहा है. ठीक है, लिमिट टू नॉलेज ब्रैकेट में लिख लो, फिनोमिना. अब चूंकि ये इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड को कैसे समझते हो आप? कुछ लॉजिक लगाना है, ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो इनकी जो
एपिस्टेमोलॉजी होगी, क्या होगी वो, इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज जो होगा क्या होगा, एम्पिरिसिज्म, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सेंसेस, परसेप्शन, ठीक है, लिखो डैश करके, लिखो ऐसे लिखो, मटेरियलिस्ट, डैश करके लिखो दिस वर्ल्डली, डैश करके ऊपर में लिखना एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, क्या हो गया एपिस्टेमोलॉजी इनकी, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म कॉमा सेंसेस, सेंसेस कॉमा परसेप्शन, ठीक है। अब चूंकि ये सिर्फ दिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो क्या इनकी एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस इल्यूजन होगा, नहीं होगा, होगा, डैश करके लिखो इल्यूजन, इल्यूजन, ठीक है, समझ में आया ये चीज। तो है सोक्रेट कहेगा कि ये जिसके पीछे भाग रहे हैं वो मोह माया है, सब इल्यूजन है, मनी पावर के पीछे भाग रहे हैं, सेंसेस के पीछे भाग रहे हैं, दिस वर्ल्ड फिनोमिना के पीछे भाग रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल व्हाट, इल्यूजन, देयर ऑन्टोलॉजी इज व्हाट, इल्यूजन, ठीक है। वो अभी हम सोक्रेट में करा देंगे, इल्यूजन बस लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एम्पिरिसिज्म का ऑपोजिट हो गया रैशनलिज्म, ठीक है, जो लॉजिक से समझते हो आप। एम्पिरिसिज्म तो आप अनुभव करते हो, ठीक है, एम्पिरिसिज्म का हिंदी टर्म होता है अनुभववाद, ठीक है, अनुभव किया आपने, कैसे किया, थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स एंड ऑल, ठीक है, बट यू कैन नॉट सी सोल, यू हैव टू रीजन विथ सोल इनसाइड योर माइंड, सोल क्राफ्ट, इनर वॉइस, इनर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हाँ निहिलिज्म, नहीं नॉट एग्जैक्टली, निहिलिज्म कैन, जब स्केप्टिसिज्म में लीड टू निहिलिज्म, बट स्केप्टिसिज्म विल कम मोर क्लोजर टू योर दिस रिलेटिविज्म, ठीक है, मतलब हर चीज को क्वेश्चन करना, क्यों, क्योंकि आपको सामने वाले की बातों पे भरोसा नहीं है, ठीक है, आप ये मानते हो कि सामने वाले के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या सामने वाले के जो पैरामीटर्स हैं मुझसे डिफरेंट हैं, क्यों, क्योंकि वो बंदा अलग है, ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट सोफिस्ट से व्हाट मैन इज मेजर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी मैन इज डिफरेंट, ठीक है, तो वो एसेंस की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं सोफिस्ट, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, आगे वो बहुत आगे का जाके, वो इतना भी मत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अरे क्योंकि उसमें कई सारे लोग हैं ना, ग्लॉकन के लिए रिलेटिविज्म है, किसी के लिए, किसी दूसरे सोफिस्ट के लिए निहिलिज्म भी है, ठीक है, आई टोल्ड यू दैट विद इन स्कूल ऑफ सोफिज्म देर आर मेनी स्कॉलर्स, तो कोई निहिलिज्म तक जा रहे हैं, कोई रिलेटिविज्म पे रह जा रहे हैं, तो सोफिज्म में दोनों आइडियोलॉजी आ जाएंगी आपकी, ठीक है। नाउ कम टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन, नाउ कम टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन, ठीक है। अब सोक्रेट क्या है, जितना ऊपर लिखा है उसका सब ऑपोजिट लिखते जाओ नीचे, पहला क्या था है फर्स्ट टीचर, तो ये लिख दो इसमें, लिखो है लास्ट टीचर, इसका लिख दो मार्टियर ऑफ फिलोसफी, फर्स्ट मार्टियर ऑफ फिलोसफी, ठीक, पता है ना ये स्टेटमेंट, फर्स्ट मार्टियर ऑफ लॉ, दूसरा क्या लिखा था ऊपर, ये क्या हो गया डियोंटोलॉजिस्ट, समझ में आता है कॉन्सिक्वेंशलिज्म वर्सेस डियोंटोलॉजिस्ट, तीसरा क्या लिखा है निहिलिस्ट और एथिकल रिलेटिविस्ट, ये दोनों का एक शब्द लिखो,
मॉरल यूनिवर्सलिस्ट या एथिकल यूनिवर्सलिस्ट, एथिकल यूनिवर्सलिस्ट। एक और टर्म लिखो, एथिकल एब्सोल्यूटिस्ट। मॉरल मतलब, या चलो मॉरल यूनिवर्सलिस्ट या एथिकल यूनिवर्सलिस्ट, ठीक है। और दूसरा टर्म लिखो, एथिकल एब्सोल्यूटिस्ट। समझ में आया ये सब? किसको नहीं समझ में आया? एथिकल यूनिवर्सलिस्ट मतलब देयर कैन बी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब देयर वुड बी ओनली वन प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स विच इज बेस्ड ऑन ट्रू नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। इसलिए वो एब्सोल्यूटिस्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखाया था सोफिस्ट में? वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना। तो सोक्रेट जो किसकी बात करेगा? वर्ल्ड ऑफ नॉमिना की बात करेगा। लिखो वर्ल्ड ऑफ नॉमिना। स्पेलिंग पता है नॉमिना की क्या है? NOUMENA, नॉमिना। NOUMENA। प्लीज आंसर राइटिंग में गलत स्पेलिंग्स मत लिखिए। बहुत गलत स्पेलिंग लिखते हैं और ग्रामर की जो बैंड बजाई जाती है पूरे आंसर में, ठीक है। कितना भी अच्छा लिख रहे होगे, देयर आर पेनाल्टी मार्क, देयर इज पेनाल्टी मार्किंग फॉर रॉन्ग ग्रामर एंड रॉन्ग स्पेलिंग्स, ठीक है। ग्रेजुएशन करके आए हो, ये सब असभ्य बातें हैं, ग्रामर नहीं जानते हो तो, ठीक है। आई माइट बी साउंडिंग वेरी, वो कहते हैं कौन, एलिटिस्ट, लेकिन या तो हिंदी में लिखो फिर जाके अपने आंसर, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, प्लीज डोंट डू दैट। आई मीन बहुत सरप्राइजिंग है, इतनी ऐसी ऐसी ग्रामर मिस्टेक है कि मैं क्या बताऊं। इट्स और इट इज में डिफरेंस नहीं पता है अभी तक लोगों को, और बीच बीच में कैपिटल लेटर यूज करते हैं। अरे भाई, कैपिटल लेटर बीच में नहीं आता, नर्सरी में पढ़ाया जाता है। एक्सेप्ट इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग एन ऑथर और समबडी, जबरदस्ती दा लगाते हैं। सलाम नमस्ते मूवी में था दा लैंग्वेज, है आई एम दिस एंड दैट दा, इतना दा नहीं आता है सब जगह। प्लीज स्टॉप दैट, ठीक है। चलो और क्या आएगा फिर सोफिस में? मटेरियलिस्ट है तो आइडियलिस्ट, और क्या बता सकते हो? हैं? अरे वो तो आएंगे अभी, नॉलेज अभी आए कहाँ है उसे। और क्या है उनका, क्या मेथड क्या बताया? एम्पिरिसिज्म, ऑब्जर्वेशन, इसका क्या होगा? रैशनलिज्म। लिखो रैशनलिज्म, लॉजिक, ठीक है। ऊपर उन्होंने क्या बोला? मनी, पावर, ही विल गो आफ्टर व्हाट? ट्रू नॉलेज, ट्रू हैप्पीनेस, ठीक। आज अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा हो जाएगा। विल मीट ऑन 3 सितंबर, कम विथ प्लेटो डन, ठीक है। तो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। प्लेटो का भी मैं ऐसे कुछ डायग्रामेटिकली आई लेट यू अंडरस्टैंड कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम उसमें, ठीक है। एरिस्टोटल भी कर सकते हो तो पढ़ के आना, इफ टाइम परमिट्स विल ट्राई फिनिशिंग एरिस्टोटल तक, ठीक। 3 सितंबर, बिकॉज आई एम नॉट हियर फ्रॉम नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स फॉर अ वीक, आई एम गोइंग होम। विल सी ऑन 3 सितंबर, यू विल गेट द मैसेज ऑन टेलीग्राम एंड एवरीथिंग। और अपने दोस्तों संबंधियों को बोलो आए, ठीक है। दिस विल बी अ गुड एक्सरसाइज आई गेस सो। डू यू वॉन्ट मी टू एड समथिंग इन नेक्स्ट क्लास? डू यू वॉन्ट मी टू चेंज द मेथड और शुड आई गो इन दिस मैनर ओनली? चलेगा ये? हाँ वो मैं करवाऊंगा, इसमें तो भी, इसमें तो कुछ आता ही नहीं है सच, ठीक है। वेन वील रीच टू प्लेटो एंड ऑल, आई विल मेक श्योर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। एक PYQ अपना लाके रखा लाया करो साथ में, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय।